Hello students, good evening. Welcome to Byju's 910 channel. My name is Khushbu and today I'm here with another topic, that is circles. So circles, geometry ka. If I talk about the previous year circle, jab 9th mein padhte ho, usme bahut sare theorems hain. Little complicated, first time geometry mein itna kuch aa jata hai. But yes, 10th ka circles bahut simple hai because there are only two theorems. But conditions apply. Ek cheez dhyan rakhni hai ki jo 9th ke theorems jo aapne padhe the, wo inke andar use hote hain. तो नाइन्थ के पढ़े हुए सारे थ्योरम्स जो आप सर्कल्स में पढ़ते हो वो यहाँ पर यूज़ होते हैं. तो मेक श्योर कि प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं. कोई भूल गया है तो जाकर आप नाइन्थ का सेशन भी देख सकते हो, सर्कल्स वाला पार्ट. हेलो एवरीवन, यस गुड इवनिंग. हाय सुक्रोत, अनंत, आयुष्मान, गुड इवनिंग प्रांजल. एक बार ग्रीन सिग्नल दे दो यार चैट में, यू कैन हियर मी क्लियरली. हाय मोहिनी, सुक्रोत, इल्मा, सेनोरीटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. ग्रीन सिग्नल इन द चैट. हाय आरोही, इल्मा, नाज, ma'am, we can see you and hear you clearly. Krishnai, how long the session will go? It's a one shot session. ठीक है, तो हो सकता है I think 1.5 to 2 घंटा, 1.5 to 2 hours इतना लगेगा. सारे कॉन्सेप्ट आज हम कवर करेंगे लेकिन अलग से प्रैक्टिस सेशन वगैरह इनको आपको हम कराएंगे. गुड इवनिंग, यस एस आर जे, अनिता, सुक्रुत, अभिनव, आई कैन सी, यस ग्रीन सिग्नल, चलो ठीक है. शिवांखी, एवरी वन, भुवनेश, चलिए वी ऑल आर रेडी. एंड प्लीज जितने भी यहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स हैं, मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल. हाय अभिनव, डम्पलिंग, इतने दिन बाद स्मार्ट बोर्ड, यस. सो प्लीज़ 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 पहले सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बिकॉज आप ये इंपॉर्टेंट सेशंस मिस कर दोगे. आपके बोर्ड्स बहुत क्लोज हैं अब, तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ बहुत यूजफुल, बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हम लोग लाने वाले हैं. सो आई रियली डोंट वॉन्ट यू टू मिस ऑन दैट. सो मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब्ड. ठीक है, शैल वी स्टार्ट? Whenever I join, it's about to end. No, Advait, अब शुरू हो रहा है. Yes, hi, study, take, knowledge, Panth, Naman, चलिए Molika, let's get started. Circles. So, circle basically होता क्या है? पहले आज की क्लास तो अटेंड करो, नेक्स्ट क्लास कब होगी, ठीक है, पहले आज की तो अटेंड करो. अच्छा जी, सर्कल होता क्या है? What is a circle? Students, what is a circle? Yes? बताइए फटाफट से. What is a circle? Circle क्या होता है basically? It's a collection of all the points in a plane. All the points in a plane which are at a constant distance. All the points तो कहीं भी हो सकते हैं, but क्या लगा दी हमने condition? Which are at a constant distance. मतलब कि वो radius from a fixed point. ये fixed point मेरा center है और इससे इन सारे points का distance जो है ना, ये constant है. और इस constant distance का नाम दिया गया है radius. ऐसे तो plane में पता नहीं कितने points हैं, पर हम सारे points थोड़ी ना consider कर रहे हैं. हम वो point consider कर रहे हैं जो इस fixed point से लेकर ये जो points हैं plane में, ये जो distance है ये constant रहे, right? ये constant रहे, yes. अभी हम यहाँ पर लोकस की बात नहीं करते, राइट? अच्छा ठीक है, क्लियर एवरीवन? यस यस, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. लेकिन सिर्फ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन नहीं, ये बात जब तक हम नहीं लिखेंगे तब तक एक सर्कल डिफाइन नहीं हो सकता. इट्स नॉट अ डिफिकल्ट चैप्टर गगना, नहीं. चलिए लेट्स मूव अहेड. मैच द फॉलोइंग, हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं यार. यस हाई एवी, गुड इवनिंग, आई एम गुड. मेक श्योर दैट यू ऑल हिट द लाइक बटन. हाई मिशन सक्सेस, लाइक करना नहीं भूलना. हाई टीम 7 गाय, ठीक है. All right. Now, match the following. आपको पूछ रहे हैं कि रेडियस ऑफ द सर्कल, यहाँ पे रेडियस क्या है? रेडियस क्या होता है? सर्कल के सेंटर को, इस फिक्स पॉइंट को, सर्कल के ऊपर जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं उनसे ज्वाइन करने वाला डिस्टेंस, उनसे ज्वाइन करने वाली लाइन, दैट्स रेडियस, राइट? तो यहाँ पर ओ सी भी एक रेडियस है, यहाँ पे ओ डी भी एक रेडियस है, यहाँ पर ओ ए भी एक रेडियस है. सेंटर को ज्वाइन कर रहा है टू एनी पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, राइट, ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल. सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल हियर? ओए हो सकता है, ओसी हो सकता है, ओडी हो सकता है. सो आई कैन से रेडियस इज ओडी ओवर हियर, एब्सोल्युटली. नेक्स्ट, कॉर्ड बट नॉट अ डायमीटर. व्हाट इज अ कॉर्ड? कॉर्ड इज बेसिकली द लाइन सेगमेंट विच इज ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है. तो मैम वो तो ये भी हो सकती है, एनी टू पॉइंट्स, but this is a diameter, this is a chord, but it's a diameter specifically. There is a specific special name for it, that's called diameter. It is passing through the center. So a chord, when it is passing through the center, then we call it a diameter. It is basically the largest chord of the circle. So if I talk about a chord which is not a diameter, that is basically AB, because AB is a line segment that is joining any two points which are lying on the circumference of the circle. Yes Supriya, le liya. Chaliye, now focus here. AB, twice of radius. Diameter, देखो radius क्या है हमारे पास? Radius हमारे पास है ये चीज. Radius हमारे पास क्या है? This is the radius.
रेडियस क्या है, ये रेडियस है, करेक्ट। सेंटर को सर्कमफ्रेंस पे किसी पॉइंट से ज्वाइन कर रहा है। डायामीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। अगर मैं इसका डबल कर दूं, एग्जैक्ट डिस्टेंस तो डबल होगा तो वो सेंटर से पास करेगा, दैट मीन्स इट्स अ डायामीटर। ट्वाइस ऑफ रेडियस को आप बोल दोगे डायामीटर, दैट्स ए सी। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी दैट वी शुड नो, आई मीन वेरी बेसिक टर्मिनोलॉजी। यस भुवनेश, सेवन बिग टीम, आर डी एक्स, जारा, दुर्गा, अभिनव, एवरीवन, आयुष्मान, आई होप दिस इज क्लियर। क्लियर है सबको? थैंक यू रेहा खा फॉर अंडरस्टैंडिंग। हाय रिभा, नहीं नहीं कुछ खास मिस नहीं करा, अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, डेफिनेशन वगैरह ही डिस्कस किया, ठीक है, वेरी नाइस। चलिए आंसर बताते रहना चैट में। नेक्स्ट देखते हैं, लाइन्स एंड द सर्कल। सर्कल और लाइन में आपस में क्या लिंकिंग है वो समझते हैं, ठीक है, ठीक है, करेक्ट। क्या समझते हैं इसको, यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक सर्कल और एक बाहर एक लाइन है, कहीं इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है, कोई इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो मैं क्या कह सकती हूँ, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है ये। इस लाइन को समझने की कोशिश कर रही हूँ मैं, यहाँ पे जो लाइन है वो सर्कल को इंटरसेक्ट करके जा रही है। अगर एक लाइन एक सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए तो व्हाट डू वी कॉल इट, हम उसका एक नाम देते हैं, वी कॉल इट अ सीकेंट, वी कॉल इट अ सीकेंट, एम्बिशन सक्सेस टू, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर वो उसे सिर्फ एक ही एक यूनिक पॉइंट पे टच करके जा रही है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जा रही है, देन वी कॉल इट अ टैंजेंट। इसके बारे में हम भर भर के पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एक ही पॉइंट पे टच करके जा रही है लेकिन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देगी तो आप उसे सीकेंट कहोगे, यू विल नॉट कॉल दिस अ टैंजेंट। टैंजेंट ये है जो एक पॉइंट पे बस बाहर से टच करके ऐसे निकल गया, ठीक है। एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स ऑफ एनसीईआरटी आकाशथा, डोंट वरी, आई विल कम अप विद दैट। बच्चा आपको फुल फ्लेजेडली आपको प्रिपेयर करेंगे आपके बोर्ड्स के लिए, यू जस्ट नीड टू हैव पेशेंस, जस्ट बी रेगुलर टू द क्लासेस। इनकेस आप क्लास लाइव अटेंड नहीं कर पाते हो, मेक श्योर कि आप बाद में सेशन देखो, हर चीज़ कराई जाएगी, वेदर इट्स योर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आपके आरडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर करेंगे, वेदर इट्स पीवाईक्यूज, ठीक है। सो यू कैन कंप्लीटली ट्रस्ट ऑन अस ऑन दिस थिंग। यू हैव सीन योर प्रीवियस बैच, कितने अच्छे से उनको प्रिपेयर करा था, दे हैव स्कोर्ड रियली गुड, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड रियली गुड। सो प्लीज जस्ट हैव पेशेंस, क्लासेस में रेगुलर रहो, जितना जितना करा दिया है करते रहो चीज़ें, ठीक है। नमन, यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग, मैम वेयर इज टैन एंड सेक, आई भी उसको हम यहाँ से लेकर नहीं आए हैं, इससे लिंकिंग नहीं है, इससे लिंकिंग नहीं है, ठीक है, तो ये मत सोचो, ठीक है। सीकेंड इज बेसिकली अ टर्मिनोलॉजी बच्चा, एक टर्मिनोलॉजी है, इसका कोई लिंक हमें सेक से नहीं, नहीं उस वाले से नहीं है, एक टर्मिनोलॉजी है। टर्मिनोलॉजी कहती है कि अगर एक सर्कल को कोई लाइन दो पॉइंट पे कैसे भी कर सकती है, ऐसे कर सकती है, ऐसे कर सकती है, इंटरसेक्ट करके जा रही है दो पॉइंट्स पे, आपको दो इंटरसेक्शन पॉइंट दिखेंगे, देन यू कॉल इट अ सीकेंट। एक नाम दिया गया है यार, हम हर चीज़ को एक नाम दे देते हैं ना, इसको आप बोलो मैम इसको रेडियस ही क्यों कह रहे हो, उसको डायामीटर ही क्यों कह रहे हो, इट्स जस्ट अ नेम दैट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। यस, सीकेंट कट्स अ सर्कल इन टू पॉइंट्स, बट टैंजेंट बस टच करके जाता है इस तरह से, इस तरह से बस टच करके जाता है। थोड़ा खराब बन गया, काफ़ी ख़राब बन गया, कहाँ से टच कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना करेगा। टैंजेंट आपका क्या करता है, टच करके जाएगा, लेट्स सपोज ऐसे टच करके चला गया, एक यूनिक पॉइंट पे टच करके जाएगा। रेफरेंस बुक इल्मा नाज, आरडी शर्मा, करिए पीवाईक्यूज लगाइए, बिल्कुल ठीक है। चलिए, यस, नाम ध्यान रखना है यार, नाम ध्यान रखना है, जहाँ कुछ होगा तो मैं रीज़न खुद ही बताऊँगी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, टैंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट। अब ये बातें बहुत ध्यान रखने वाली हैं, छोटी छोटी असर्शन रीजनिंग में आपको फंसा सकता है, ध्यान से फोकस करना। हमें क्या कह रहा है, नो टैंजेंट फ्रॉम पॉइंट इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर से क्या कभी आप टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, लॉजिकली सोचो, अंदर पॉइंट है, आप मुझसे कह रहे हो यहाँ पे टैंजेंट बनाओ, कैसे बनेगा यार, टैंजेंट तो आपने बताया था कि ऐसे जाता है सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हुए, ये टैंजेंट कैसे, ये तो अंदर से निकल के कट करते हुए जा रहे हैं ना, आपको कहना है इस पॉइंट से बना रही हूँ मैं, राइट, ये टैंजेंट कहाँ से हो सकता है, तो इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, करेक्ट, सर्कल को कट करते हुए जा रहा है, कट कर रहा है, ये तो नहीं हो सकता, टैंजेंट ऐसे थोड़ी ना बनता, तो ये तो नहीं हो सकता। वन टैंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल, तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, सर्कल पे एक पॉइंट है, एक यूनिक पॉइंट से बस मैं एक ही टैंजेंट बना सकती हूँ, ठीक है, एक यूनिक पॉइंट से बस मैं एक ही टैंजेंट बना सकती हूँ और नहीं बन सकता। हाँ, अच्छा, अगली चीज, टू टैंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है ये, इसको तो स्टार मार्क कर लो यार, इस पर आपकी थ्योरम भी आती है, थ्योरम लिखनी भी आती है और इस पर क्वेश्चंस भर भर के पूछता है, ठीक है, और आज क्वेश्चंस भी आपको समझाती हूँ क्या है, अभी थ्योरम भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपके पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है ना, तो उस एक्सटर्नल पॉइंट से यू कैन ड्रॉ टू टैंजेंट्स, दो टैंजेंट्स बनेंगी आपकी एक एक्सटर्नल पॉइंट से, दो टैंजेंट्स बनेंगी, वो दोनों टैंजेंट्स इक्वल भी होंगी, कैसे होंगी अभी हम पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे। मोहिनी, गो टू सेटिंग्स, इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द वीडियो। हाँ कृष्णा, बिल्कुल, ऑब्वियसली
मेरी बात समझ आती है मैम? एग्जाम्पल ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट का एग्जाम्पल है दैट यू कैन सी. एक पॉइंट से आपने एक टेंजेंट इस पॉइंट पे, देखो एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर सर्कल पे लाई कर रहा है उससे बस एक ही टेंजेंट गुजर सकती है. इन दोनों बातों का मतलब अलग अलग है, इन दोनों बातों का मतलब अलग अलग है, ध्यान से समझना. दीज टू मीन डिफरेंट. एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पर सर्कल के ऊपर एक यूनिक पॉइंट से आप एक टेंजेंट बना सकते हो. ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो बन सकती हैं, जैसे एक इस पॉइंट पर बस एक, एक इस पॉइंट पर. यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वेरी गुड, यस. नेक्स्ट आते हैं. तो मतलब कि अगर मैं इसको समराइज करूँ तो मैं क्या कहूँगी? मैं कहूँगी कि ये जो पी क्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, दैट्स अ सीकेंट बिकॉज इट इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल इन टू पॉइंट्स. एग्जैक्टली दो पॉइंट्स पे कट करके जा रहा है. यस लैब्रा, दो पॉइंट्स पे कट करके जा रहा है, तो आप उसको क्या बोलते हो? आप उसे कहते हो कि दैट्स अ सीकेंट. अब ये क्या है? एक यूनिक पॉइंट पर एक लाइन पास करके जा रही है, टच करके जा रही है, सर्कल को टच करके जा रही है. वी कॉल इट अ टेंजेंट. और ये पॉइंट क्या है जहाँ पर ये सर्कल को टच कर रही है? इसके लिए भी टर्मिनोलॉजी है, वी कॉल इट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. वी कॉल इट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. यही वर्ड्स आपको बहुत बार इस चैप्टर में नजर आएंगे, बार बार क्वेश्चंस में. इसलिए मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ टर्मिनोलॉजी पे, इस पर ध्यान दो. ठीक है, ऐसे तो सर्कल्स के इन्फिनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं, बट एक पॉइंट पे सार्थक सिर्फ एक ही हो सकता है. फ्रॉम वन पॉइंट देर कैन बी ओनली वन टेंजेंट. ठीक है, ओसवाल बिल्कुल करिए, इट्स गुड. आप वहाँ से अपने PYQs वगैरह, अपने सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करो उस वाल से. ठीक है, यस बडी, क्लियर ऑल ऑफ यू? इज दिस क्लियर? हाँ, बस दो ही बना सकते हो एक एक्सटर्नल पॉइंट से, बस दो ही बना सकते हो. यस प्रांजल, क्वेश्चन क्या है? मैंने आंसर कर दिया बडी. यस ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. अब इस क्वेश्चन को आंसर करके देखो. इट्स ओके. नाम बड़ा मुश्किल रखा हुआ है, सॉरी मैम लेट हो गया. यस, आसान नाम रखो यार. अरिहंत इज ऑल्सो गुड, कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पर कितने बच्चे स्टैंडर्ड वाले हैं एक बारी बताना. मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, कितने बच्चे स्टैंडर्ड वाले हैं? तुम्हारे सारे क्वेश्चंस में एक बारी मैं समराइज कर देती हूँ. मैम नमन कह रहा है, मैम क्या आर एस अग्रवाल, चलिए कोई बात नहीं. कोई कह रहा है अरिहंत, यस बिष्णु, सुहानी. मैम डू टेंजेंट्स इंटरसेक्ट ईच अदर? कहाँ पर? आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है. कहाँ पर इंटरसेक्ट कराना है? अगर आप पिछली वाली स्लाइड की बात करो एक्सटर्नल पॉइंट पे, तो हाँ दोनों टेंजेंट इंटरसेक्ट कर ही रही थी, है कि नहीं? क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्या पूछना चाह रहे हो एग्जैक्टली? मैक्सिमम स्टूडेंट्स मुझे दिख रहा है कि ये तो सारे ही आप लोग क्या कहते हैं स्टैंडर्ड वाले हो, तो मेरी बात अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ. ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे. मैं फुल एंड फाइनल आपको एक लास्ट बताती हूँ. स्टैंडर्ड वाले हो, एनसीईआरटी करोगे? करनी पड़ेगी यार. ओके ठीक है, दूसरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करोगे ही करोगे. अगर तुम्हारा एम है ना यार 95% प्लस जाना है मैथ्स में, फुल स्कोर करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना. कोई तुम्हें बोले ना मत करना, छोड़ दो एग्जाम्पलर, नो. ये बहुत एक नया ट्रेंड सा चल रहा है कि सीबीएसई उठाने लग गया है वहाँ से क्वेश्चंस, एज इट इज उठाने लग गया है. सो प्लीज़ एग्जाम्पलर करो. अगर तुम नहीं कटवाना चाहते ना पेपर में, दो तीन नंबर भी अपने एग्जाम्पलर करना, और अपनी एक रेफरेंस बुक अगर सिर्फ तब करना जब तुम्हें लगता है मेरा ये टॉपिक कच्चा है, बहुत अच्छे से मुझे नहीं आता, तो उस टॉपिक को रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस करना. अदरवाइज अननेसेसरली रेफरेंस बुक्स इतनी करने की जरूरत नहीं होती. लेकिन सैम्पल पेपर्स मस्ट हैं तुम्हारे लिए, सैम्पल पेपर्स और PYQs मस्ट हैं, जरूर करना उसको. ठीक है, क्लियर है सबको अपने डाउट्स? सबको अपने डाउट्स क्लियर हैं? पूरी रेफरेंस बुक लेके बैठोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, सब कुछ याद भी नहीं रहेगा. सही बता रही हूँ मैं तुम्हें. ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो होता है, आई नो हाउ टू स्टडी. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है जहाँ पे एक सर्कल को एक टेंजेंट टच कर रही है, उसे आप बोलते हो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ये मेरा सर्कल है, ये मेरी टेंजेंट है, राइट? यहाँ पर इसको टच कर रही है, यू कॉल इट, जहाँ पर भी कर रही है उसको टच, दैट्स कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है, अच्छा जी, अब ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे बताओ क्या करोगे. क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ. यस, एडुकार्ट इज ऑल्सो गुड. ओसवाल लो या एडुकार्ट लो, अरिहंत लो, दे आर नाइस. अच्छा है, ले सकते हो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? कौन सा ट्रू है? फर्स्ट, नो टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन इंटीरियर पॉइंट. सर्कल के अंदर कोई पॉइंट ले लूँ तो क्या मैं टेंजेंट बना पाऊंगी? ऐसे 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 मैं कैसे बनाऊँ? टेंजेंट थोड़ी ना बन रही है. नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, ये बात तो सही कह रहा है, ये तो कह रहा है कोई टेंजेंट नहीं बन सकती. सही बात है. अ मैक्सिमम ऑफ टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे कह रहा है मैक्सिमम दो ही टेंजेंट बना सकते हो, क्या मैं तीसरी बना सकती हूँ? ये कोई टेंजेंट थोड़ी ना हुई, ये कोई टेंजेंट थोड़ी है, राइट? सो नहीं बन सकती है. तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से बस दो ही बना सकते हो आप, दो ही बना सकते हो.
क्योंकि अगर ऐसे भी जाने की कोशिश करोगे तो ऐसे आ जाएगा, सिकेंड हो गई ये तो नहीं बनेगा ना. सो इसका मतलब मैक्सिमम ऑफ टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, ये बात भी सही कह रहा है. तो बोथ वन एंड टू यहाँ पे करेक्ट हो गए, बोथ वन एंड टू यहाँ पे करेक्ट हो गए, एब्सोल्युटली राइट. ठीक है जी, हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, कोई बात नहीं, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट, यू ऑल वर राइट. अप्रोच मिश्रा, मोबाइल मिश्रा, आई होप इट इज क्लियर नाउ. एक बात बताओ, 120 पीपल लाइव हियर, पर हम लाइक नहीं कर रहे हैं, वाई? अब हमें तुम्हें सर्कल्स नहीं पढ़ना था, हैं? तुम्हें सर्कल्स पहले से आता है, हैं? कम ऑन क्विकली, इफ यू फील सेशन यूजफुल है, मेक श्योर आपके सारे कॉन्सेप्ट बाई द एंड ऑफ द सेशन क्लियर होंगे. मोबाइल मिश्रा, इज इट क्लियर नाउ? मैम, इज यू लाइक गुड? कृष्णा सी, वैसे सारी बुक्स ठीक हैं, बट इट्स बेटर कि, क्योंकि यू लाइक के अंदर ना वो लोग बहुत कुछ क्वेश्चंस का लेवल, मैं कहूँगी लेवल वाइज उतना बढ़िया नहीं है. इट्स बेटर यू गो फॉर यू गो फॉर ओसवाल या एडुकार्ट वगैरह. ठीक है, ठीक है, क्लियर एवरीवन? ओके, अच्छा रिभा भी ये आएगा, पैरेलल टेंजेंट्स वाली चीज़ अभी हम डिस्कस करेंगे. यस, कम ऑन, लाइक टारगेट. चलो पहले 100 का टारगेट देते हैं. थैंक यू आस्था, 100 का टारगेट है, क्विकली तुम्हारा लाइक टारगेट, तुम्हारे पास भी एक टारगेट, तुम्हारे कुछ काम दिया करने को, 100 का टारगेट है, कम ऑन एवरीवन, पहले 100 देते हैं मोहिनी. अच्छा, ऑल इन वन इज गुड, ऑल इन वन ले सकते हो. अच्छा, एक और डिफरेंस समझो बच्चा, सीकेंड क्रॉस करके चली जाएगी, कॉर्ड बाहर नहीं जाएगी, स्नेहा बाहर नहीं जाएगी. कॉर्ड इज बेसिकली द लाइन सेगमेंट विच इज ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस, बस वहीं तक रह जाएगी यार. ठीक है जी, बाहर नहीं जाएगी. आई प्रेफर आर डी ईशानी. अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये वाली बात तो हो गई. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है. इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इन द एडजॉइनिंग फिगर. ये फिगर आराम से देखो, मुझे बताओ. यस, ये फिगर आराम से देखो और मुझे बताओ, ध्यान से देखो. यस एवी, कम ऑन, लाइक टारगेट इज 100, क्विकली चलो फटाफट से देखो. यहां पर मुझे कह रहा है थीटा का वैल्यू. अब यहां पर पता है दिक्कत क्या आएगी, प्रॉब्लम आप लोगों को आएगी, क्योंकि आपको 9th के कॉन्सेप्ट याद नहीं होंगे, आपको 9th के कॉन्सेप्ट याद नहीं होंगे. अगर यहाँ पे 9th का कॉन्सेप्ट लग रहा है, सो मैं आपको ये बोलूंगी कि प्लीज़ 9th वाला मैं रिवाइज करा देती हूँ, बट अगर आपको इन डिटेल जाना है तो 9th का सेशन देखना. अब ध्यान से समझो ये चीज़, हमें ये बोल रहा है थीटा की वैल्यू, ये 90 दिया हुआ है और ये पूरा का पूरा थीटा है. मैं इसको फाइंड कैसे करूँ यार, मैं इसको फाइंड कैसे करूँ, फंस गए हम तो यहाँ पर, है ना. अब हमें एक काम कर सकते हैं, देखो एक दो चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर, क्या हो सकती हैं, मैं तुम्हें दो चीज़ें बताती हूँ, इसमें ध्यान से देखो. एक चीज़ तो ये है कि आपने थ्योरम पढ़ा था कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ये आर्क है, ये सेंटर पे कौन सा एंगल बना रहा है, ध्यान से समझना, ये सेंटर पे ये वाला एंगल बना रहा है, ये आर्क और ये रेडियस मिलके सेंटर पे ये वाला एंगल बना रहे हैं. तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट, मतलब यही आर्क एक और एंगल सबटेंड कर रहा है, is double the angle subtended by it at any other point on the remaining part of the circle. Remaining part of the circle क्या है? Remaining part of the circle क्या है? ये रहा remaining part of the circle. कह रहा यही arc एक और angle subtend करेगी on the remaining part of the circle जो कि ये रहा. और the center is double of it. इसका double होता है. ऐसा बोलते हैं. ठीक है, ये theorem पता लग गई. ये पूरा का पूरा angle कितना आ रहा है? This is 210. और ये टोटल कितना होता है? 360 होता है. तो 360 में से अगर मैं 210 यहाँ पर लेस कर दूँ तो मेरे पास कितना बच जाएगा? दिस विल बी 150. अगर ये वाला एंगल 150 है तो मैंने कहा सेंटर वाला एंगल इसका डबल है, तो यहाँ से ये थीटा कितना आ जाएगा? दैट वुड बी 75 degrees. जस्ट आई हैव यूज्ड वन थ्योरम टू गेट द आंसर. एक थ्योरम से बस मुझे आंसर मिल गया. सो इसलिए मैं कहती हूँ कि थ्योरम्स, यू नो, थ्योरम हो गए, कोई भी आपके पास इंपॉर्टेंट कोई रिजल्ट्स हो गए, उनको ध्यान रखा करो. इज दिस क्लियर? एक बार ही बताओ फटाफट से, इज दिस क्लियर एवरीवन? मैं एक बार लिख के पूरा समझाती हूँ आपको. इज दिस क्लियर? 9th पे सीखा था ना, राइट. अच्छा, एक और बात, अगर किसी को ये थ्योरम क्लिक नहीं करा, पहले एक बार मैं ये लिख देती हूँ, फिर एक और चीज़ देखते हैं. ठीक है, एक बार मैं लिख देती हूँ, तो आपके पास सबसे पहले तो आपने क्या निकाल दिया? आपने निकाल दिया एंगल, ये वाला, ये पूरा आपने एंगल निकाल लिया यहाँ से. ठीक है, तो फिर मैंने इसका रिफ्लेक्स एंगल निकाल दिया. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या निकाला? एंगल एट सेंटर. मैंने निकाला सबसे पहले एंगल एट सेंटर. सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है? 360 डिग्री माइनस 120 प्लस में 90 डिग्रीज. सो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? विच इज 150 डिग्रीज. ठीक है जी, हमें ये पता लग गया, ये 150 डिग्री आ गया. अब एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी जो आपका है, विच इज बेसिकली थीटा हियर, इट इज बेसिकली हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी.
हाफ ऑफ एंगल एओसी, तो आपने कहा 75 डिग्री। एग्जाम के अंदर आपको रीजनिंग देनी पड़ेगी, रीजनिंग मस्ट है। रीजन नहीं दोगे तो 10th में नंबर नहीं मिलने वाले आपको, ऐसे 9th में नहीं मिलते, रीजनिंग मस्ट है। तो यहाँ पे आप लिखोगे द एंगल सबटेंडेड, यू वॉन्ट मी टू राइट द होल रीजन, ये तुम्हें समझ आ गया, बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल, सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। ये पूरा रीजन है। अगर आपने वहां रीजन नहीं लिखा तो आप मार्क्स कट पाओगे। दिस इज वन वे टू डू इट, पर ये इजी है ज्यादा, दो स्टेप में आंसर आता है। ठीक है मैम, इन एग्जाम डू वी हैव टू राइट द थ्योरम? यू विल हैव टू राइट द थ्योरम, बिल्कुल। थ्योरम इन द सेंस यू विल हैव टू गिव द रीजन एवरी टाइम। यस, लाइफ गोल हो गया तो अब इंक्रीज कर देते हैं लाइफ गोल को, है ना? लाइफ गोल फिर इंक्रीज कर देंगे। माई चैट, हाय हाय श्रीमई, आई एम गुड गुड गुड, एग्जाम आइडिया इज गुड, यस परिशोते, इट्स गुड। अच्छा, क्लियर हो गया। एक और बात, एक तरीका तो ये है, वॉट इफ जिन बच्चों को ये थ्योरम याद नहीं रहती उनका क्या, जिन बच्चों को ये थ्योरम याद नहीं रहती उनका क्या? उन बच्चों के लिए भी है एक ईजी वे, बट आपको सारे तरीके आने चाहिए। मैं फिर भी कहूँगी सारे तरीके आने चाहिए। ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान से समझो। अब हम क्या कर सकते हैं, आप कहोगे मैम इस ट्रायंगल के अंदर, ये एक ट्रायंगल है और हमको पता है OA और OB रेडियस हैं, रेडियस है ना ये, तो ये दोनों इक्वल होंगे, होंगे अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पर ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। क्यों? बचपन की प्रॉपर्टी, एक ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल, उनके ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे कितने, ऑपोजिट एंगल्स वुड बी इक्वल। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकती हूँ, अगर ये 120 है तो 180 में से 120 निकाल दो, बचा 60। ये दोनों ले लेंगे 60 को बराबर बराबर, मतलब ये हो गए 30 एंड दिस विल ऑल्सो बी 30। सिमिलरली अगर ये 90 वाला है और ये दोनों के दोनों रेडियस हैं तो ये हो गए 45 और ये भी हो गया 45। ये कंप्लीट एंगल आपके पास आ गया 75। मैम हमने 9th पे सीखा था, बिल्कुल सुहानी, इज दिस क्लियर? हाय राघव, निखिल, आपके पास, यस दैट वॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। आपके पास दो मेथड मैंने बता दिए हैं, आपको जो उस वक्त दिमाग में आता है, जो क्लिक करता है, यू कैन अप्लाई इट। बट एक बात बस ध्यान रखनी है, डिलीटेड नहीं है निश्चय, मैंने कराया उस पर अलग से, आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के भी डाला है। बहुत आराम से देखना पड़ेगा तुम्हारे नाम को पहले, इतना भी हार्ड नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर पेपर में आता है कोई भी मेथड लगाना, पर अगर तुम रीजनिंग नहीं दोगे तो तुम मार्क्स कटवाओगे, सो प्लीज़ ध्यान रखो। मैम यू कवर मोस्ट ऑफ द स्क्रीन, नेम जहात, इज इट सो एम आई कवरिंग मोस्ट ऑफ द स्क्रीन? अच्छा, आई विल मूव असाइड, अब आराम से देख लो, मैं पूरा स्क्रीन कवर कर रही हूँ क्या? यस, थ्योरम याद नहीं रहा तो ये, बट मैं फिर भी कहूँगी याद रखो, याद रखो, क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? आराम से एक बार देख लो। यस, नेम जीत, नमनदीप, एवरीवन, थैंक यू ईशानी। मैम ट्रायंगल AOB ऐसे कॉन्ग्रो प्रूफ करके हाफ वाले स्टेप से, कॉन्ग्रुएंसी में मत जाओ यार, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो, ऐसे ही बन जाएगा बिना कॉन्ग्रुएंसी के, क्यों कॉन्ग्रुएंसी तक क्यों पहुंचना है? ठीक है, क्लियर? चलो जितने लोग यहाँ पे लाइव हैं उतने लाइक्स, 110 पीपल लाइव, 110 लाइक्स, ठीक है, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ टैंजेंट्स, टैंजेंट्स इन सर्कल्स, वन बाय वन, पहले हम टैंजेंट्स इन सर्कल्स पढ़ रहे हैं एंड देन लेंथ ऑफ टैंजेंट्स, सॉरी, मूविंग अहेड नाउ, फर्स्ट वी स्टार्ट विद लेंथ ऑफ, सॉरी, टैंजेंट्स एंड सर्कल्स, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने आपसे बोला था सेशन की बिगिनिंग में कि आपके पास सिर्फ दो ही टॉपिक है सर्कल्स में जो 10th के हैं, बाकी सब 9th का पिछला तो आ ही जाएगा। अब ध्यान से, ये वाला जो आपके पास है, दिस इज योर फर्स्ट थ्योरम, टैंजेंट एंड सर्कल, हर दूसरा क्वेश्चन आपको इस पे मिलेगा, ये लगना ही लगना है। ये क्या कहता है थ्योरम, ध्यान से सुनना, मैं इसका प्रूफ भी करा रही हूँ, वो प्रूफ पेपर में पूछा जाता है, पेपर में आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रटा रटाया प्रूफ लिखना है। ध्यान से समझो, क्या बोल रहे हैं आपको, द टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे एक टैंजेंट बना लो, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे ये टैंजेंट दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर बनाया है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P है, मैंने यहाँ टैंजेंट बनाया, तो ये जो टैंजेंट है और ये जो मेरा रेडियस है, दे आर परपेंडिकुलर, कहाँ पर परपेंडिकुलर, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दिस इज द रीजन आई वॉज आस्किंग यू कि प्लीज आप टर्मिनोलॉजी पे फोकस करो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ये 90 होगा। इस बात को हम रट लेते हैं आज से कि यार रेडियस और टैंजेंट, कि जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है टू टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है मैम, ये वाली बात याद रहेगी,
ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में लगेगा। यस अच्छा, अब ध्यान से समझना, अब इसकी प्रूविंग पर आते हैं, ठीक है इसकी प्रूविंग पे आते हैं। इस बात को प्रूफ कैसे करोगे, पेपर में पूछेगा ये, प्रूफ कैसे करोगे? सबसे पहली चीज हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, गिवन टू प्रूव, आप लिख दोगे, आपको गिवन किया है कि दिस इज योर टैंजेंट राइट एंड ओ इज द सेंटर, ये आपको गिवन है। और आपको प्रूफ क्या करना है कि ओ पी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पर ओ पी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ये बात हमको प्रूफ करनी है। ठीक है, वेरी गुड मोहित, यस बिल्कुल। हम प्रूफ कैसे करेंगे इस चीज को? अच्छा, अगर मैं ऐसा करूं, मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेती हूँ। लेट्स सपोज इफ आई टेक एनी पॉइंट ए ओवर हियर, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन सेगमेंट, मैंने ए ले लिया एंड आई ज्वाइन दिस ओ ए, यस ठीक है, मैंने कोई पॉइंट ए ले लिया एंड आई ज्वाइन दिस ओ ए, एंड लेट्स सपोज दिस पॉइंट ओवर हियर दिस इज बी, ठीक है, दिस पॉइंट इज बी, ठीक है, गिवन इज दैट एक्स वाई इज अ टेंजेंट राइट एंड ओ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट्स इट, गिवन में कुछ नहीं है। ओके, अब ध्यान से समझो, यहाँ से प्रूफ में क्या कह सकते हो आप, प्रूफ में आप ये बोल सकते हो कि यार यहाँ पर इसके अंदर हमारे को क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ओ पी और ओ बी आपस में इक्वल है, ये ओ पी और ये ओ बी आपस में इक्वल है, वाई आर दे इक्वल, बिकॉज दे आर द रेडियस ऑफ सर्कल। तो आप कह सकते हो ओ ए सॉरी ओ बी और ओ पी, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ पी एंड दे आर वॉट, दे आर रेडियाई ऑफ सर्कल, या रेडियस ऑफ सर्कल भी लिख दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जस्ट दिस इज ओ बी, ठीक है, ये हो गया आपका ओ बी, ये तो हो गया रेडियस की बात हो गई। तो अगर मुझे इस ओ ए को लिखना है, ध्यान से प्रूफ देखना, यस सुहानी आई विल, यहाँ से प्रूफ ध्यान से देखना, ओ ए को लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, ओ ए क्या है यहाँ पर, ओ ए है ओ बी प्लस बी ए, ओ बी प्लस बी ए, मेक सेंस, एक लाइन सेगमेंट को पूरा पूरा लिखना है तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब क्या हो सकता है, ठीक है, अब क्या हो सकता है, आई विल एक्सप्लेन श्रमिका, श्याम कृपा, आई विल एक्सप्लेन आफ्टर दिस, एक बार और, ठीक है, ये बन गया। अब मैं यहाँ से ये वाली बात बोल सकती हूँ ना कि यार ये जो ओ बी है यहाँ पर, ये जो डेफिनेटली ओ बी है, ये ओ ए से तो छोटा ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ओ ए इन दोनों को मिलाकर बन रहा है, तो मैं कह सकती हूँ कि ओ ए ओ बी से बड़ा है, इस बात से ये वाली बात तो प्रूव होती है क्योंकि वो उन दोनों के सम को मिलाकर आ रहा है राइट, तो मैं कह सकती हूँ ओ ए ओ बी से बड़ा है। अच्छा, अगर ओ ए ओ बी से बड़ा है राइट, तो आपने बोला है कि ओ बी ओ पी के भी बराबर है, आपने ये बोला है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो ओ ए होगा वो ओ पी से भी बड़ा होगा, होगा या नहीं मैम? एग्जाम में ऐसे प्रूफ्स पूछेंगे, अगर हाँ तो कितने, हाँ हाँ बिल्कुल पूछेंगे, तभी बता रही हूँ, इसका प्रूफ पूछा जाता है 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट लिखेगी, कहेगा प्रूव इट, स्टेटमेंट लिखी देगा, कहेगा प्रूव इट, आपको एग्जैक्ट यही सब कुछ लिखना है, फिगर खुद बनाना पड़ेगा, खुद लिखना पड़ेगा, ठीक है अंकित, यस थर्सडेज 6 PM एंड संडेज 4 PM, ठीक है अंकित, आंसर टू योर क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री हो चुका है हसनी सेकर, मैं करवा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। तो ओ ए ग्रेटर देन हो गया ओ पी के, इसका मतलब अगर ओ ए की जगह मैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लूँ, मानो मैं कोई पॉइंट यहाँ पर सी ले लूँ या यहाँ ले लूँ, हर बारी ये चीज़ वैलिड होगी, सोच के देखो ना यार, अगर मैंने यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लिया, लेट सपोज मैंने यहाँ पर डी ले लिया, यहाँ पर लेट सपोज एल ले लिया, उसके साथ भी तो यही वाली बात वैलिड होगी, तो एवरी टाइम ये जो ओ पी होगा ये उन लाइन से छोटा ही होने वाला है, यस यू विल हैव टू इशानी, उन लाइन से छोटा ही होने वाला है, सो वी कैन से कि जो परपेंडिकुलर लाइन होगी दैट वुड बी द शॉर्टेस्ट वन, यस ये बात समझ आ रही, एक बारी बताओ, परपेंडिकुलर लाइन होगी दैट वुड बी द शॉर्टेस्ट वन, बताओ फटाफट से, यस तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि जो मेरी यहाँ पे OP होगी इट विल बी शॉर्टर देन एनी अदर लाइन सेगमेंट राइट जो इस पे लाई करेगी, दस OP विल बी शॉर्टर, देन एनी अदर लाइन सेगमेंट, इज दिस क्लियर एवरीवन? उसके बाद तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, आई हैव टोल्ड दिस स्केड्यूल, मैं लिख दूंगी एक बार दोबारा से स्केड्यूल लिख दूंगी, ठीक है, एनी अदर लाइन सेगमेंट विच इज ज्वाइनिंग ओ एंड एनी पॉइंट ऑन दिस टैंजेंट, जैसे मैंने कहा यहाँ पे कुछ भी ले लूँ, विच इज ये लाइन्स लिखनी पड़ेंगी आपको वहाँ पे, ऐसे ही नहीं लिख रही मैं, ज्वाइनिंग ओ एंड एनी अदर पॉइंट ऑन द टैंजेंट,
आई मूव असाइड, फिर आप देख लेना. करेक्ट. ओपी विल बी शॉर्टर देन एनी लाइन. प्रूफ विल बी आस्क्ड इन द पेपर. पूछा जाता है, इसलिए बता रही हूँ कि मैं कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लो, कोई भी ले लो यार, हर बारी ये चीज वैलिड होगी. मानो मैंने यहाँ पर जैसे मैंने कहा एल ले लिया, मैंने यहाँ एम ले लिया और ये वाला पॉइंट एन ले लिया, फिर से घूम फिर कर यही वाली बात बन जाएगी. तो ये एवरी टाइम, यस करेक्ट करेक्ट, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका शॉर्टेस्ट होता है भाई. आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक ट्राइंगल के अंदर, दैट वुड बी शॉर्टेस्ट एवरी टाइम. सो वी कैन से कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही लाइन लिखनी है इसके बाद आपको, कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन इज बेसिकली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो यहां पे हम लिख लेते हैं शॉर्टेस्ट, देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ, इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? टेंजेंट का क्या हो गया? अब राइट बिगर, यू वांट मी टू राइट बिग, पूरा कैसे करूंगी? यस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन, ऑफ अ पॉइंट from a given line, given line is the perpendicular distance, is the perpendicular distance. ये होता है, ठीक है? इसलिए tangent हमेशा radius के साथ जब भी बनेगी, जब भी radius के साथ tangent बनेगी तो आपने कहना है कि वो 90 degree है. Yes, मैं एक बार दोबारा से बताती हूँ, एक बार summarize करके ध्यान से समझना आप सब. तो हमारे को सबसे पहले आप फिगर बनाओगे, एग्जैक्टली नाम जो मर्जी देना, ठीक है? आप कहोगे कि यार लेट मी चेंज द कलर. अब ध्यान से सुनना सारे जिन्होंने कुछ भी मिस किया. ओबी इक्वल है ओपी के. आप कहोगे कि ये जो ओबी है ना, जो मैं ग्रीन से बना रही हूँ, और ये ओपी, ये इक्वल है. वाई मैम? बिकॉज दे आर द रेडियस. ठीक है, रेडियस है. ओए जो होगी, ये वाली पूरी जो होगी, दैट विल कंप्राइज ऑफ ओबी प्लस बीए. बिल्कुल. तो आप कहोगे कि जो ओए है ये डेफिनेटली ओबी से भी बड़ी है, ये डेफिनेटली बीए से भी बड़ी है, तभी तो दोनों को मिलाकर बन रही है. हाँ मैम, बिल्कुल. तो आप कहोगे ओए ओबी से बड़ी है. ओबी ओपी के इक्वल है, तो आप कहोगे ओए ओपी से भी बड़ी है. करेक्ट. अब ये बात नहीं है कि ओपी बस ओए से छोटी है. मैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट लूंगी ना, ये हर बार वैलिड होगा, हर एक पॉइंट से. जब भी मैं सेंटर को इस लाइन पर किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करूंगी, ये वाली बात हर बारी. यस मैम, देयर 100 इन लाइव, इज इट रिकॉर्डेड? नो, इट्स अ लाइव सेशन. ठीक है, हर बारी वैलिड होगी. तो ये बात मैंने ये लिखी है कि ये बात हर बार वैलिड होगी. तो आपको ये बात समझ आती है कि एक ट्राइंगल के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन लाइन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये बोला हमने, इसलिए हमने कहा अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री. यस मैम, लास्ट में कंस्ट्रक्शन भी दिखाएंगी प्लीज मैम. कंस्ट्रक्शन क्या क्या कंस्ट्रक्शन, एक बार देखो कंस्ट्रक्शन को लेकर क्या कन्फ्यूज हो रहे हो. ये कंस्ट्रक्ट किया था बस मैंने. आपको पेपर में कंस्ट्रक्शन क्यों लिखनी है? आपको तो पूरा फिगर बनाना है. आप गिवन में क्या लिखोगे? आप कहोगे सर्कल विद सेंटर ओ एंड एक्स वाई इज अ टेंजेंट. ये हो गया गिवन. ठीक है, अच्छा ये हो गया गिवन. फिर आप कंस्ट्रक्शन में कहोगे ज्वाइन ओ ए एंड लेट दिस पॉइंट बी बी. ठीक है, इज इट क्लियर? मैं साइड हो गई, मैं आराम से एक बार देख लो, एक बार ही देख लो अच्छे से. क्लियर है सबको? अच्छा, हौले हौले क्या था? हौले हौले था, याद दिलाना, आराम से देखूंगी एक बारी. यार बोर्ड्स में डरने वाली बात नहीं, तो 10th बोर्ड है मैम. एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शंस लिखने के मार्क्स होते हैं क्या? एक्स्ट्रा कोई मार्क्स नहीं होते हैं. पूरा नहीं लिखा तो मार्क्स ज़रूर कट जाते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता यहाँ पे. ठीक है अंशुमन, अभी क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं तुम्हें एग्जाम्पलर वगैरह के, तुम्हें आरडी वगैरह के, पीवाईक्यूज, ये सब प्रिपेयर कराऊंगी. सो फर्स्ट आई एम जस्ट डूइंग दिस कि मैं आपका सिलेबस खत्म करके जल्दी से, बिकॉज मोस्ट प्रॉब्ली यू विल हैव योर बोर्ड्स, आई मीन प्री बोर्ड्स इन डिसम्बर. तो प्री बोर्ड से पहले सिलेबस हो चुका होगा और आपकी रिविजन स्टार्ट हो चुकी होगी. दैट्स वॉट आई एम एमिंग फॉर. ठीक है, समझ आ गई बात? मैम ये चैप्टर एरेटेड सर्कल्स नहीं है? नहीं, वो हम संडे को करेंगे, दिस संडे. तो आई एम जस्ट स्पीडिंग इट अप कि आपका सिलेबस जल्दी खत्म करके वी कैन स्टार्ट विद द रिविजन पार्ट. हम एग्जाम्पलर करें, हम पी वाई क्यूज करें, ये सब. क्लियर एवरीवन? यस नौशीन. फर्स्ट मेथड मैम, फर्स्ट मेथड कौन सा फर्स्ट मेथड? इसमें तो मेथड ही एक ही है, कोई मेथड नहीं है. ओप्पो, ठीक है, बस लास्ट स्टेप. तो मैंने यही बोला कि मैंने कहा यहाँ पर जितने भी पॉइंट ले लो, ये तो मैंने एक लिया था, किसी के भी साथ करके देख लो. को मैम कोई और ज्वाइन करके दिखाना, तब भी यही होगा. हाँ तब भी यही होगा, हर बार यही होगा. तो मैंने यही वाली बात यहाँ लिखी है, दस ओपी विल बी शॉर्टर, ये जो ओपी है हमेशा छोटी होगी, देन एनी अदर लाइन सेगमेंट विच इज ज्वाइनिंग ओ एंड एनी पॉइंट ऑन दिस टेंजेंट.
और क्योंकि ऐसा हर बार हो रहा है, ये सिर्फ तभी हो सकता है कि वो लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब वो लाइन परपेंडिकुलर है, इसीलिए मैंने कहा कि 90 है. क्लियर? रिफ्लेक्टेड 99 एवरीवन. नौशीन क्लियर है? यस क्लियर एवरीवन. अब बस फटाफट सिलेबस कवर करके वी विल स्टार्ट विद द रिविजन्स. ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं, अप्लाई करना समझ आ जाएगा. थ्योरम को तो एज इट इज दिमाग में घोट के पी जाओ, आती आती फ्री के मार्क्स हैं. और जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल. ठीक है, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. ए बी सर्कल की कॉर्ड है. पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. ए बी सर्कल की कॉर्ड है. अरे ये क्या हो गया, तुमने देखा तो नहीं, दिखा तो नहीं किसी को? ठीक है, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ये रहा कॉर्ड. ओके, एंड ओ ए सी इज द डायमीटर. ओ ए सी क्या है? दैट्स द डायमीटर. यस ठीक है, डायमीटर है. ए सी बी इज 50, ये रहा 50 डिग्री. 80 इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, ये टेंजेंट है. ये जैसे ही टेंजेंट बोलता है ना, पता है मेरे दिमाग में क्या आता है? जैसे ही टेंजेंट बोलता है तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? टेंजेंट सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या दिमाग में आता है? जैसे ये टेंजेंट बोलता है मुझे ये थ्योरम याद आ जाती है. यस यस, थैंक यू नेति. हाँ देख लिया ना आंसर, देख लिया आप तो, पर ठीक है समझ लेते हैं, कोई बात नहीं. जैसे ये टेंजेंट बोलता है ना तो मेरे दिमाग में बात आती है, जो मैंने अभी थ्योरम पढ़ी थी, कि यार ये सेंटर है तो ये मेरा रेडियस है, ये मेरी टेंजेंट है, तो मेरे दिमाग में बात आती है डेफिनेटली ये एंगल तो 90 है, डेफिनेटली एंगल तो 90 है, परपेंडिकुलर है क्योंकि अभी थ्योरम पढ़ी है. यस वी विल कृष्णा. ठीक है, ये तो पता लग गया. तो मुझे ये पता है कि यहाँ पे जो OA है ना, दैट इज परपेंडिकुलर टू AT, ये एंगल 90 है, ये समझ आ गया. वो चाहता है BAT बैट निकालना है, उसको बैट चाहिए. उसको क्या चाहिए? उसको बैट चाहिए क्वेश्चन में. अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसमें क्या निकाल सकती हूँ? ये 50 दिया हुआ है आपने मुझे, और आपने मुझे ये 90 दिया हुआ है, मैं कुछ कर सकती हूँ क्या इस क्वेश्चन में? कैसे निकालूँ, कैसे निकालूँ? यू टेल, दिमाग लगाओ. मैम आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी भी लगेगी, बिल्कुल लगेगी. मैम सेमी सर्कल वाली थ्योरम लगेगी, बिल्कुल लगेगी. तो ईजिएस्ट क्या है, ईजिएस्ट क्या है? रेडियस इक्वल वगैरह करना, लंबा है आंसर आएगा, बट लंबा है. ईजी क्या है? नाइन्थ की थ्योरम. देखो नाइन्थ इसमें बहुत यूज में आ रहा है. ईजी क्या है? नाइन्थ की थ्योरम कि एंगल इन अ सेमी सर्कल, जो आइसोसेलेस वाला कह रहे हैं ना, इसको ज्वाइन करके करेंगे, आंसर आएगा, बट लंबा है, लंबा है. ठीक है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. ठीक है जी, राइट एंगल मतलब कि क्या होता है इसका? जैसे ये मेरा सर्कल है, ये सेंटर है, ये सेमी सर्कल बनेंगे, राइट? अब ये सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है ना, वो होता है 90. वो ये कह रहा है कि ये सेंटर दिया हुआ है, आपको बोला है डायमीटर है, तो आप कह सकते हो कि ये वाला एंगल है आपका 90 डिग्री. यस अच्छा, ये एंगल 90 है. ठीक है जी, तो आपके पास सी बी ए यहाँ से बन गया 90. तो क्या आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो फिर, अगर ये 90 है तो? एक बार बताओ, आप ये निकाल सकते हो? एंगल सी बी ए कितना हो जाएगा यहाँ से? 90 हो जाएगा. आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से. तो एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना आ जाएगा? यू विल से दिस इज 90 प्लस 50, एंड लेट्स सपोज दिस इज x. ठीक है, ये यहाँ पर x है, इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट? तो ये कितना बन गया मेरे पास? x की वैल्यू यहाँ से आ गई है 40 डिग्रीज. ये तो x आया है ना, तो ये बचा हुआ एंगल चाहता है. वो चाहता है कि आप ये बचा हुआ एंगल निकालो. BAT बैट, उसको बैट चाहिए. यस 180, टोटल 180, ट्राइंगल का सम 180. व्हाट्स रॉन्ग? यस BAT बैट निकालना है आपको, राइट? बैट निकालना है. हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो हाफ ऑफ ए कर सकते हो. दिस इज हाफ ऑफ, सॉरी मैं हाफ ऑफ ही लिखने लगी तुम्हारी बात का आंसर करते करते. तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास? ये मेरे पास बन जाएगा 90 माइनस में 40, दैट मीन्स 50 डिग्रीज. क्लियर ऑल ऑफ यू? इज दिस क्लियर? कह सकते हो आप फनी वे. यस ऑल्टरनेट सेगमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, पर पता ही क्या करते हैं CBSE वाले, बहुत स्मार्ट हैं, ये पेपर में डाल देते हैं, ये पेपर में डाल देते हैं जहाँ पर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर वो लग रही होती है. तो हम सीख लेंगे, हमें थ्योरम के प्रूफ में नहीं जाना, बट हम अप्लाई करना सीख लेंगे. सो यस राइट आंसर इज 50. ये आंसर तो पहले ही रिवील हो गया था यार, ये तो पहले ही रिवील हो गया था. बात के स्टेप्स फॉलो करके आ ही जाएगा गोविंद. दैट वुड बी लेंदी. क्यों जाना है, उल्टा क्यों घुमाना है जब सीधे तरीके से आंसर आ रहा है? ठीक है जी, मेंबर थ्योरम्स इन नाइन्थ, आई विल, दैट्स अ नाइस आइडिया. यस आई कैन, आई विल. ठीक है जी, आपको सारी थ्योरम्स रिवाइज हो जाएंगी. मौलिका यस,
अच्छा नेक्स्ट देखते हैं ना, राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज द फिगर, ये राइट एंगल ट्राइंगल है एट बी, बी पे 90 डिग्रीज है. अच्छा बी पे 90 डिग्रीज है, हमें क्या बोला है, बी सी इज 12, ये 12 दिया हुआ है, ए बी इज 5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल. ट्रस्ट मी ये क्वेश्चन ये बहुत बार पूछते हैं, थोड़ा बहुत इन्हें मॉडिफिकेशन करके. यस अच्छा अब ध्यान से देखो, अब सबसे पहली चीज़ क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है. मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ए सी निकाल सकती हूँ यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, दैट्स नाइस, लर्न यूनिक कर सकते हो, ठीक है. तो ए सी कितना आ जाएगा यहाँ से, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये तो निकाल लूंगी मैं. तो ए सी स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा, वॉट इज ए बी, ए बी इज 5 स्क्वायर एंड दिस इज 12 स्क्वायर, दिस इज 12 स्क्वायर, करेक्ट. तो ये क्या बन जाएगा, ए सी की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी 13 सेंटीमीटर, ए सी आ गया मेरे पास, आई हैव दिस ए सी 13 सेंटीमीटर. इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बहुत पूछा जाता है. थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस करेंगे वो इसके अंदर, एग्जैक्टली सेम चीज़ नहीं डालते, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना. इसीलिए अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास ये तो आ गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है. अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये मैंने ज्वाइन कर दिया, और मुझे अभी मैंने सीखा था कि ये सेंटर है सर्कल का, तो ये रेडियस होगा, रेडियस और ये एक टेंजेंट का काम कर रही है, उसको एक पॉइंट पे टच करके जा रही है. तो अगर मैं लेट्स सपोज इसको नाम दे दूँ P, मुझे पता है रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्रीज होते हैं कि नहीं, बिल्कुल होते हैं. सिमिलरली यहाँ पर भी रेडियस और टेंजेंट 90 होते हैं, लेट्स मार्क इट Q. यहाँ पर भी रेडियस और टेंजेंट 90 होते हैं, लेट्स मार्क इट R. इस तरह से मैंने ट्राइंगल्स बना लिए. मेरा पहला ट्राइंगल जो मैं ले रही हूँ यहाँ पर, दैट इज दिस वन, विच इज दिस वन, ये वाला ट्राइंगल ए ओ बी, ये मेरा फर्स्ट ट्राइंगल है, ठीक है. और मेरा दूसरा ट्राइंगल यहाँ पर क्या है, ये वाला, कौन सा, दिस वन, बी ओ सी, ठीक है. मेरा तीसरा ट्राइंगल है ये वाला, कौन सा, ए ओ सी. तीन ट्राइंगल मिलाकर मेरे पास होल ट्राइंगल आ जाएगा, ठीक है. हाँ सुहानी, हर क्वेश्चन में लगेगा एक क्राइटेरिया, मेरा ध्यान से सुनना बात, कि तीनों ट्राइंगल को अगर मैं क्लब कर दूँ एरियाज को, आई विल गेट द एरिया ऑफ द कंप्लीट ट्राइंगल, मेक सेंस, बिल्कुल आएगा. अच्छा तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, आई कैन से कि एरिया ट्राइंगल ए बी सी का, दैट विल बी इक्वल्स टू एरिया फॉर विच ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ओ बी, ये वाला, ठीक है, ट्राइंगल ए ओ बी है. और कौन सा ट्राइंगल है एरिया, दैट इज दिस वन, बी ओ सी, करेक्ट, बी ओ सी है. और कौन सा ट्राइंगल है, दिस ए ओ सी, ये ट्राइंगल ए ओ सी आ गया, आ गया. इन सबको मिलाकर, नहीं नहीं स्क्वायर स्क्वायर तक मत जाओ यार, आराम से आ जाएगा ऐसे ही, ठीक है. ए बी सी का एरिया कैसे निकालोगे, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, अगर आपको याद हो तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, करेक्ट. तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इसका एरिया आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ इसको, ये क्या बनेगा, हाफ टाइम्स बेस, कितना है बेस 5, वो परपेंडिकुलर 5 इंटू में 12, ओके. ए ओ बी के अंदर क्या करोगे, इस ए ओ बी ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखो तो आपका जो बेस है दैट इज 5, और जो आपका परपेंडिकुलर है दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज आर. तो मैं इसको लिख सकती हूँ हाफ टाइम्स 5 टाइम्स आर, चलेगा. ऐसे करते करते मैं सबका लिखूंगी. यस श्याम कृपा, यू विल हैव टू डू द कंस्ट्रक्शन इन दिस क्वेश्चन, क्लियर. विंडा थैंक यू सो मच, ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू, इज दिस क्लियर. मेक श्योर दैट यू ऑल हैव सब्सक्राइब टू द चैनल, डू हिट द लाइक बटन अगर आपको आपको सेशन अच्छा लग रहा है. ऑल 5 ट्राइंगल्स नहीं, 3 ट्राइंगल्स, 5 ट्राइंगल्स मत देखो, 3 देखो. 3 कैसे देखना है, ए ओ बी, दिस इज योर ए ओ बी, दिस ट्राइंगल, कैन यू सी दिस ट्राइंगल आई एम टॉकिंग अबाउट. व्हेन आई एम सेइंग बी ओ सी, तो बी ओ सी इज दिस ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल, थर्ड ट्राइंगल इज दिस, ये जो बिगर ट्राइंगल्स बन रहे हैं इनके अंदर ए ओ सी, कैन यू सी. तीन ट्राइंगल्स के एरिया को क्लब करके, मैं दोबारा बता देती हूँ, तीन ट्राइंगल्स के एरिया को क्लब करके मैंने ये बनाया. जस्ट सी दिस, देखो एक बार ध्यान से, फिगर समझ लोगे तो समझ आ जाएगा, फिगर समझ आएगा तो ये क्लियर हो जाएगा. एक बार ही देखो, मैंने क्या करा, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ये एक ट्राइंगल बन गया. कौन सा ट्राइंगल बन गया, ए ओ बी, एक ट्राइंगल बन गया. यस ऑल ऑफ यू, यस चमका, एक बार देखो. देन आई हैव दिस बी ओ सी, बी ओ सी, ये रहा बी ओ सी. अगला ट्राइंगल ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी, ये रहा. तीनों को मिलाकर क्या बन रहा है, तीनों को मिलाकर बन रहा है ए बी सी, ये कंप्लीट ट्राइंगल. यस होल ट्राइंगल, यस नीति, होल ट्राइंगल बन रहा है. तीन ट्राइंगल्स लेके होल ट्राइंगल बन रहा है. यस शायक शीना, दिस इज फॉर ग्रेट टेंथ. हाँ
वो रेडियस वाला क्राइटेरिया कैसे आ जाता है? अब आपको पता है कि जो ट्रायंगल एओबी की मैम बात कर रही हैं, इसमें ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये नीचे टैंजेंट है एबी, एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो डेफिनेटली दिस इज 90, डेफिनेटली दिस इज 90, यस, ठीक है, टीम सेवन गाय, नहीं नहीं मैं देख चुकी हूँ, दैट्स नाइस नाइस, थैंक यू लिंदा, क्लियर एवरीवन, यस सेनोरिटा, क्लियर ऑल ऑफ यू जिनको भी डाउट आ रहा था, यस नमनदीप, प्रीवियस वाले में ना वो बाद में एक बार बता दूंगी मैं टुवर्ड्स द एंड बता दूंगी, अभी वाले का बताओ, ओ बी पी आर, उससे करके तुम्हें निकालना है, कर सकती हो, कर सकती हो, रेडियस ही तो चाहिए, कर सकती हो, ठीक है, जा सकती हो, वैसे भी एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, चंचल ये इक्विलैटरल नहीं है लेकिन ओके ये बन गया। अब बी ओ सी का एरिया, बी ओ सी के लिए क्या लोगे बताओ, बी ओ सी के लिए क्या लोगे, फॉर बी ओ सी, बी ओ सी के लिए क्या लोगे बताओ, यहाँ पर बी ओ सी के लिए क्या लोगे, बी ओ सी के लिए आप क्या लोगे, यस कम ऑन क्विकली, बी ओ सी के लिए हम क्या लेंगे, हाफ टाइम्स, हाफ टाइम्स, वहां पर बेस क्या है, बी ओ सी के अंदर ट्राइंगल बी ओ सी में बेस क्या है, दैट इज 12, हाइट क्या है, दैट इज आर, यस दैट इज बेस इज 12, हाइट इज आर, सिमिलरली ए ओ सी में क्या लोगे, ए ओ सी एरा, ये वाला ट्राइंगल, इसमें बेस क्या है, एरा बेस 13 सेंटीमीटर हम निकाल चुके हैं, हाइट यहाँ पर भी आ रहा है, रेडियस और बोए तो परपेंडिकुलर ही है, ये आपका आर है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ टाइम्स, ये क्या बन जाएगा, हाफ टाइम्स, ये बनेगा हाफ टाइम्स 13 टाइम्स आर बनेगा, ओके सो मेरे पास यहाँ से क्या आ रहा है, हाफ यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, अगर पूरे में से हाफ कॉमन ले ले तो हाफ कट जाएगा, पूरे में से हाफ कॉमन ले लें, इस साइड का हाफ और इस साइड का हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा 60, ये बचेगा 5R, ये बचेगा 12R और वो बचेगा 13R, टोटल करके क्या बन गया, दिस इज 30R, तो R की वैल्यू यहाँ से बन गई 2 सेंटीमीटर्स, एंड आई थिंक हमें क्या चाहिए था, हमें रेडियस ही चाहिए था, क्लियर एवरीवन, हेरॉन्स फॉर्मूला वगैरह से जा सकते हो, ऐसा आपको क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने आपसे कहा कि अलग अलग तरीके हैं, बट दैट इज लेंथियर हेरॉन्स से करना, पर किसी किसी क्वेश्चन के अंदर देखो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल था, मैंने इससे कर लिया, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता तो मुझे हेरॉन्स ही लगाना पड़ता, तो कोई चॉइस नहीं है, ठीक है, हेरॉन्स से जाना पड़ता, आपकी एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो हेरॉन्स पे ही हो पाता है, चलिए लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज अ टैंजेंट, हमें क्या बोला है कि पी क्यू क्या है, वो एक टैंजेंट है एट अ पॉइंट सी, सी पॉइंट पर टैंजेंट दिया हुआ है, हमसे क्या बोल रहा है आगे, क्वेश्चन इज सेइंग विद सेंटर ओ इफ ए बी इज द डायामीटर, ये डायामीटर है और सी ए बी का वैल्यू आपको दे दिया है, सी ए बी का आपको वैल्यू दे दिया है, क्या दे दिया है, द सी ए बी दैट इज 30 डिग्रीज, ये 30 है, फाइंड एंगल पी सी ए, पी सी ए ये फाइंड करना है, किसी ने कोई पहचान पा रहा है ये क्या है, कोई पहचान पा रहा है, लर्न यूनिक करके कर सकते हो, रेडियस वहाँ से निकल जाएगा, पर उसके लिए थ्योरम जो यूज़ होगी वो एक्सटर्नल टैंजेंट वाली यूज़ होगी, वहाँ से होगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें, बताओ भाई थोड़ा दिमाग लगाओ क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ ध्यान से देखो, मुझे ये बोला है कि ए बी डायामीटर है, ए बी डायामीटर है, मैंने कहा था एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ये तो हो गया 90, हो गया 90, ठीक है, तो आप कह सकते हो सिंस एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ, डू यू सी कि मैं हर एक चीज़ का रीज़न दे रही हूँ, आपको ऐसी रीजनिंग मेंशन करनी पड़ेगी, इज अ राइट एंगल, इज अ राइट एंगल, इसके आ गया एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी कितना हो गया यहाँ से, दैट इज 90 डिग्रीज, ए सी बी 90 आ गया, अच्छा अगली बात, मैंने कहा कि आपकी बुक के अंदर ये थ्योरम है नहीं वैसे, ठीक है, ये 30, ये 90, ये एंगल निकाल सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी से, बिल्कुल निकाल सकते हैं, वेरी गुड, यस टीम सेवन गाय, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपको यहाँ हेल्प करेगी, बट पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो, ये 30 है, ये 90 है, तो कितना बचा ये बच गया 60 डिग्रीज, करेक्ट, ये बच गया 60 डिग्रीज, ओके, तो मैं लगा सकती हूँ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 30 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज प्लस ये एंगल क्या है, ए बी सी, एंगल ए बी सी दैट्स इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, तो एंगल ए बी सी का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू
60 डिग्रीज, ये 60 आ गया, ये 60 आ गया. अब जो मैं बताने जा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम. ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपको रेफरेंस बुक्स में मिलेगी. पर मैंने कहा ना कि ये बहुत स्मार्ट है, ये डाल देते हैं पेपर में. थ्योरम प्रूव करने को नहीं कहेंगे, थ्योरम क्वेश्चन में अप्लाई हो रही होगी तो समझ लो कैसे देखना है. एबीसी आइसोसेलेस कैसे हो सकता है? आइसोसेलेस तब होता है जब आपकी दो एंगल इक्वल हो उसमें, तभी दो साइड इक्वल आ सकती है. यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है. सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट जानते हो क्या होता है? सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट पता क्या है? एक आर्क के बीच में ये सर्कल है, इस सर्कल में ये कॉर्ड है, इसमें ये वाली, ये ध्यान से देखो ये क्या है, ये एक आर्क है, छोटी आर्क है, माइनर आर्क है, और ये मेरे पास कॉर्ड है. इन दोनों के बीच में ये जो आ रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर माइनर सेगमेंट. ये भी एक सेगमेंट है पर ये माइनर सेगमेंट है. ऐसे तो मैम ये भी एक सेगमेंट है, ये भी आर्क है, बड़ी है बट मेजर आर्क है, और ये आपकी कॉर्ड है. तो हाँ ये मेजर सेगमेंट है, ये दोनों सेगमेंट्स ही हैं. ये दोनों क्या हैं? सेगमेंट्स ही हैं. तो सेगमेंट बेसिकली वो रीजन होता है जो कि बिटवीन द आर्क एंड कॉर्ड ऑफ अ सर्कल बनता है, उसे आप कहते हो सेगमेंट. तो एक टर्मिनोलॉजी हमें समझ आती है कि यार सेगमेंट क्या चीज़ है, पहली बात. दूसरी बात ये, इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं सेगमेंट को देखूँ ध्यान से तो वो क्या है? ये मेरे पास कॉर्ड है, ये मेरे पास कॉर्ड है, इस कॉर्ड के इस तरफ एक सेगमेंट है, इस कॉर्ड के इस तरफ सारी एक सेगमेंट है. ठीक है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है? यस इट्स ओके रिबा. ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है? हाँ, कि कॉर्ड के बीच में, कॉर्ड के बीच में, कॉर्ड का कोई भी एंड, ये वाला एंड ले लो या ये वाला, कॉर्ड का कोई भी एंड ले लो और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है, जो एंगल बनता है दैट विल बी इक्वल टू द एंगल जो ये कॉर्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट में बना रही है. ये कॉर्ड यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो क्या है? 60 डिग्री है. तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ऐसा कहती है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम. ठीक है, ये दो सेगमेंट था, एक पूरा सेगमेंट, वो एक पूरा सेगमेंट. इस सेगमेंट के अंदर कॉर्ड, कॉर्ड का एक एंड ले लो, कोई भी एक एंड, इधर या इधर, पर यहाँ पर टेंजेंट इधर है. तो ये वाला एंड और टेंजेंट जो एंगल बना रहे हैं, ये एंगल विल बी इक्वल टू दी एंगल इन दी ऑल्टरनेट सेगमेंट, दूसरे वाले सेगमेंट में जो एक कॉर्ड बना रही है, दैट 60. ठीक है, तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा. सो आई कैन से एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा? एंगल पी सी ए के, दैट 60 डिग्री बाय ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, बाय ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम. क्लियर ऑल ऑफ यू? इज दिस क्लियर? यस सुहानी, रेखा, एनीथिंग, क्या पूछना है? आस्था मैम, पी सी ए प्लस बी सी ए, पी सी ए, पी सी ए, बी सी ए, हाँ ऑब्वियसली, हाँ बी सी ए, नहीं नहीं वो 180 कैसे बनेगा? 180 बनता है पूरी स्ट्रेट लाइन पे, आधा एंगल गायब है, आधा एंगल गायब है, मिलाकर तब पूरा 180 आता, आधा गायब है. अब सुनो जिन लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है, क्या डायमीटर भी एक कॉर्ड होती है? बिल्कुल कॉर्ड होती है, बट दैट्स अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, तो वो एक स्पेशल केस हो गया. ठीक है, फॉर फाइंडिंग पी सी ए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एन एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल नहीं लग सकता, नहीं लग सकता. आई टेल यू वाई, ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल ना ऐसे लगता है, ध्यान से समझना, समझो वो क्यों नहीं लग सकता. रितिका इज आस्किंग क्या मैम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं लग सकती? यहाँ पे नहीं लग सकती. उसको समझने का तरीका देखो, वो तब लगती जब ये लाइन ऐसे जा रहा होता, ये लाइन ऐसे जा रहा होता, तो इस लाइन को मैं इस तरह से लेती. ठीक है, यू गेटिंग दिस? लाइन को इस तरह से लेके जाती तो ये यहाँ से बनाते आप यहाँ से कहते कि इस तरफ जो ये एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, या फिर जो यहाँ से एंगल बनता, यहाँ से जाता, बट रेखा ये यहाँ से जा रहा है. यू गेटिंग दिस थिंग? थोड़ा सा फ़र्क है. गोविंद आई आंसर टू योर क्वेश्चन कि यहाँ होती है, थोड़ा सा फ़र्क है. समझ आई बात? आपने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सोचा इस पे, समझो ये चीज़, आपने इस पे सोचा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. अब लाइंस को ध्यान से देखो, आप लाइंस को ध्यान से देखो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तब बनती जब ये लाइन ऐसे जाती. गॉट इट? यस रितिका, गॉट इट. अच्छा मैम, ओ को सी से अगर आप ज्वाइन कर देते क्या फ़ायदा मिलता मुझे? ओ को सी से ज्वाइन करके कुछ बात बनती? ओ को सी से ज्वाइन करके मैं क्या कहती? मैं कहती ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, मैं ये वाला एंगल निकाल लेती ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे बेनिफिट कुछ नहीं होता. मेरे पास ऑलरेडी ये वाला पूरा एंगल था 90, मुझे क्यों करना ये? मैम कैन वी अप्लाई स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी? फ़ायदा नहीं होगा,
फ़ायदा नहीं होगा, उससे भी नहीं बनेगा। अच्छा मैं एक बार दोबारा से ऑल्टरनेट सेगमेंट को ही रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई चॉइस नहीं थी। कोई कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि यार कुछ और लग नहीं रहा उसमें, तो इसलिए हमें इनके ऑल्टरनेटिव तरीके पता होने चाहिए कि हम क्या लगा सकते हैं अगर कुछ नहीं बनता तो। इसीलिए सिखाई ये थ्योरम तुम्हें कि अगर तुम फंस गए पेपर में तो क्या करोगे। मैं दोबारा से पूरा क्वेश्चन एक बार बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था इस पर तुम लोग को डाउट आना ही आना है। अब ध्यान से समझ लो एक बार और पूरा। देखो इसमें क्या करा है हमने, क्या करा है, सबसे पहले ये वाला एंगल मुझे गिवन था, दिस इज 30 डिग्री, ये गिवन था। मैंने कहा कि सर्कल का ये डायमीटर है, तो ये सेमी सर्कल हो गया। एंगल इन अ सेमी सर्कल क्या बनता है, बनता है 90 डिग्री, बन गया। अच्छा एंगल सम प्रॉपर्टी से तुमने ये निकाल दिया, ये आ गया 60 डिग्री, बन गया। अच्छा उसके बाद आप क्या करोगे, आपने कहा कि यार ये टेंजेंट है, ठीक है। अब सर्कल में मैंने तुम्हें सेगमेंट देखना बताया, एक सर्कल के अंदर एक कॉर्ड है, ये वाला एक सेगमेंट है, ये वाला दूसरा सेगमेंट है, ये तो हो गए दो सेगमेंट्स, ठीक है। इसके इस सेगमेंट में देखो ये कॉर्ड है, एक कॉर्ड, कॉर्ड का जो एंड पॉइंट और टेंजेंट के बीच में एंगल बनता है, एंड पॉइंट और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो किसके इक्वल होता है, टू द एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, मतलब इस सेगमेंट में नहीं ऑल्टरनेट सेगमेंट में देखना है, राइट। ऑल्टरनेट सेगमेंट में देखना है, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट में एंगल कौन सा है, 60, तो ये वाला एंगल भी हो गया 60, दिस इज व्हाट इट सेज। बताइए, यस, हाय शिजा, रितिका, एक्सटेंडेड पार्ट शुड बी स्ट्रेट, हाँ इट हैज़ टू बी स्ट्रेट, उसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर रहे हो ना, स्ट्रेट ले जा सकते हो, ऐसे 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 नहीं। क्लियर ऑल ऑफ यू, क्लियर ऑल ऑफ यू, नाउ इज दिस क्लियर, थ्योरम लगाना समझ आ रहा है, लगा लोगे। मैम ऑल्टरनेट सेगमेंट में टेंजेंट नहीं है, बिल्कुल है, वो कह ही यही रहा है कि कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में बन रहा है, ये कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में बन रहा है एंगल, अकेली कॉर्ड थोड़ी ना बना देगी, ठीक है। ये कॉर्ड और ये टेंजेंट, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये किसके इक्वल है, एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो बन रहा है। मैम अगर ऑल्टरनेट एंगल दिया ही नहीं है तो कुछ ना कुछ और ज़रूर होगा यार, कुछ ना कुछ और ज़रूर होगा जो तुम्हें किसी और तरीके से निकालने में हेल्प करेगा। ये मत सोचो कि बिल्कुल ही फंसा देंगे तुम्हें, कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव तो देंगे। रितिका गॉट इट, क्लियर एवरीवन, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी यू मीन 180 वाली, सुहानी कैसे लगेगी, कैसे लगाओगी 180 वाली, इसको ध्यान से देखो यार, तुम लोग ये जगह मिस कर रहे हो, यहाँ पर मिसिंग जगह है, थोड़ी सी खाली स्पेस है, ये पूरी लाइन 180 है, इसमें सिर्फ इतना 90 है, ये क्या है, सॉरी ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये तो पता ही नहीं है हमें, स्ट्रेट एंगल कैसे हेल्प कर देगा, ठीक है। इज इट क्लियर, क्लियर ऑल ऑफ यू। मैम मेरी क्लास बच्चा, इट्स ऑन थर्सडेज आपके साथ होती है, दैट इज 8:15 PM, और संडेज को होती है 4 PM। चलिए मैम, द थ्योरम विच यू यूज इज नॉट एक्सप्लेन टू अस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स नॉट देयर इन NCERT, बट इस पे जब क्वेश्चंस कहीं ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर ये लग रहा होता है, तो इसीलिए कर लेते हैं। एक बार ही देखो, मैं साइड हो गई हूँ, एक बार देख लो पूरा प्रूफ। क्लियर ऑल ऑफ यू, नमनदीप, आस्था, नमनदीप, एवरीवन, नौशीन, क्लियर है, ओ सी बी, उसका करोगे क्या नीलम, उसकी करोगे क्या, आंसर थोड़ी ना बन जाएगा, आंसर नहीं बनेगा तब भी। यस श्री हरी, क्लियर एवरीवन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है आपको, दिस सेज टू टेंजेंट्स MA एंड MB, ये दो टेंजेंट्स हैं, ये रहा आपका एक टेंजेंट, ये रहा आपका दूसरा टेंजेंट, ये दो टेंजेंट्स हैं आपके पास, ठीक है। नहीं ये भी नहीं था, होता मैं बता देती, दो आपके पास टेंजेंट्स हैं और एंगल AMB कितना दिया हुआ है, दैट इज 110, ये एंगल आपको दे दिया है 110 डिग्रीज है। आपसे कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ OAB, ठीक है, OAB निकालना है। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये 110 है, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, व्हाट डू यू थिंक ये क्या बन रहा है, एक बार बताना मुझे, व्हाट इज दिस, इट्स अ फोर साइडेड फिगर, इट्स अ क्वाड्रिलैटरल मैम, यस इट्स अ क्वाड्रिलैटरल, है ना, इट्स अ फोर साइडेड फिगर मैम, और ये आपको क्या दिख रहा है मैम, ये रेडियस है, ये आपको क्या बोला है क्वेश्चन ने मैम, ये टेंजेंट है, तो ये एंगल 90 होना बनता है ना, बिल्कुल बनता है। सिमिलरली मैम OB भी रेडियस है और ये टेंजेंट है, ये वाला एंगल भी 90 होना बनता है, बिल्कुल बनता है, तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ दिस इज 90, तो पूरे क्वाड्रिलैटरल के अंदर सम होता है 360 डिग्रीज, करेक्ट। नहीं ये साइक्लिक नहीं है रितेश, साइक्लिक नहीं है, 90 90 110, तो यहाँ से ये वाला एंगल आ जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल,
ये एंगल निकाल लो, ठीक है, ये एंगल निकाल लो, ठीक है। चलिए, साइक्लिक वो होता है जब सारे के सारे वर्टिसेस सर्कल पे लाई कर रहे हो, यहाँ सारे वर्टिसेस थोड़ा ना सर्कल पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे क्या गिवन है, मैं ये कह सकती हूँ सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, पहले तो रीजन दोगे एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इस पे परपेंडिकुलर होता है रेडियस, तो आप कहोगे कि जो ओ ए है वो परपेंडिकुलर होगी किस पे, ए एम पे, एंड जो ओ बी है वो परपेंडिकुलर होगी बी एम पे, ठीक है। सो अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल निकालूंगी तो मेरे पास वहां से एंगल ए ओ बी आ जाएगा, तो एंगल ए ओ बी प्लस 90 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज प्लस 110 डिग्रीज इज इक्वल टू 360 डिग्रीज बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ से ए ओ बी, ए ओ बी कितना बन रहा है 110 और 180, 290, 290 इसमें से लेस कर देंगे और बस बच जाएगा कितना 70 डिग्रीज, यस, हाँ 70 डिग्रीज आ जाएगा। ये तो ए ओ बी आया ना, ए ओ बी मतलब ये वाला एंगल, ये जो छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है आपका, छोटू सा ट्राइंगल बन रहा है ए ओ बी का, इसके अंदर आपने ये वाला ट्राइंगल निकाला है। मैम क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है, ओ ए बी, क्वेश्चन कह रहा है ये निकालो। अब बताओ साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक तब होता है व्हेन ऑल द वर्टिसेस, ऑल द फोर वर्टिसेस आर लाइंग ऑन द सर्कल और ऑपोजिट एंगल शुड हैव सम 180। यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है, ऑपोजिट एंगल का सम तो 180 बन रहा है लेकिन ओ सर्कल पे लाई नहीं कर रहा, ओ सर्कल पे लाई नहीं कर रहा, वो कहीं बीच में है। गोविंद डोंट वरी, वी विल इंक्रीज ग्रेजुअली, ठीक है। मैम ऑल्सो कैन वी राइट सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 180 डिग्रीज, वो साइक्लिक पे होता है, ये साइक्लिक नहीं है, ये साइक्लिक नहीं है, इसलिए पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेम रेडियाई, यस, वेरी गुड। अब इस ट्राइंगल के अंदर ये दोनों रेडियस हैं तो ये दोनों सेम है, तो आप कहोगे इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी हमें ये पता है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, सिंस ओ ए किसके इक्वल है, ओ बी के, बिकॉज दे आर दी रेडियस ऑफ सर्कल, राइट। तो आप कह सकते हो कि ये वाले दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, दिस इम्प्लाइज एंगल ओ ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ओ बी ए के, करेक्ट, बाय, और आप कह सकते हो कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल वो इक्वल होते हैं, है कि नहीं। अगर एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, तो ये वाले दोनों एंगल यहाँ से क्या बनेंगे, ये 70 है और ये दोनों इक्वल हैं तो कितना आ जाएगा 70, इसको मैं एक्स ले लूँ, इनको एक्स ले लेते हैं, तो 70 डिग्रीज प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, 210 इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू दिस एंड यू हैव 55 डिग्रीज, ये बन गया हमारा आंसर 55 डिग्रीज। एब्सोल्युटली सेना मंसूरी आस्था, हाँ ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, बिल्कुल रितेश। मैम इफ नो ओ इज नॉट सेंटर एंड हाउ ए ओ इज 90, ओ इज द सेंटर, वो सेंटर ऑफ द सर्कल है, किसने कहा वो सेंटर नहीं है। सी यू आर आस्किंग, अच्छे क्वेश्चन बोल रहे हैं मैम, ये साइक्लिक है, साइक्लिक होने के लिए ओ को इस पे आना पड़ेगा ना, ओ को सर्कल पे लाई करना पड़ेगा, सारे के सारे वर्टिसेस सर्कल पे लाई करेंगे तभी तो आप, दो कंडीशन होती हैं साइक्लिक की, ठीक है, दो कंडीशन होती हैं, एक ऑपोजिट एंगल्स आपके सम बनाए 180 और ऑल द फोर वर्टिसेस शुड लाई ऑन द सर्कल, आपकी फोर्थ वर्टेक्स सर्कल पे लाई नहीं कर रही है, वो सेंटर ऑफ द सर्कल है बाबा, यस, ओ इज इट सो गोविंद, उजेर नेबी, क्लियर एवरीवन, ए ओ भी गलत पढ़ लिया, शिजा क्लियर है, ओ या, यस, विच क्लास, दिस इज 10th, नाउ गॉट इट, क्वेश्चंस वेरी सून इल्मा, दैट इज वाई एम जस्ट स्पीडिंग अप द सिलेबस, कि हम सिलेबस फिनिश करके प्रैक्टिस पे लगते हैं, बिफोर योर प्री बोर्ड्स हम इनफ प्रैक्टिस कर चुके हूँ। प्लीज़ बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो तुम ये गलतियाँ करोगे कि ये साइक्लिक है, डायरेक्टली लिख देते हैं और पेपर सब्जेक्टिव है, नंबर कट जाएंगे, है ना, हमें तो हमने ऐसे निकाल के दिखाया है, तुम डायरेक्टली बोलोगे कि ये सम इनका ऑपोजिट का सम 180 है, विच इज़ रॉन्ग, राइट, क्लियर ऑल ऑफ यू, दो कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं साइक्लिक के लिए, दो कंडीशन बाबा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ऐसे ही नहीं लगा देना, ये टॉपिक खत्म होता है, नेक्स्ट आती है थ्योरम आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। अब ये ध्यान से समझो, दो ही थ्योरम्स हैं, भर भर के क्वेश्चन हैं इन पे, ठीक है, नॉट द अदर टीचर दिस टाइम प्लीज मैम, यस आई विल बी डूइंग दैट, शिजा डोंट वरी।
अच्छा, अब ये थ्योरम क्या कहता है? प्लीज एवरीबॉडी प्लीज फोकस हियर। थोड़ी देर के लिए चैट में कोई कुछ नहीं लिखेगा, नथिंग, सिर्फ फोकस करेंगे, ठीक है? ओके, व्हाट आर वी देम, दिस इज लाइक द 25th टाइम, व्हाट आर यू आस्किंग? मैंने शायद देखा ही नहीं है, ठीक है? अंशिता आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है? आपको टाइमिंग्स वगैरह जब जब होते हैं, स्केड्यूल होता है, आपको पता चल जाएगा। दो कंडीशंस हैं साइक्लिक के लिए। सुहानी फिर उसी पर हो, मैम साइक्लिक होगा? नहीं, दो कंडीशंस होती हैं, ऑपोजिट का सम 180, लेकिन एक और कंडीशन भी है, ऑल द फोर वर्टिसेस शुड लाई ऑन द सर्कल। क्या आपका ओ सर्कल पे लाई कर रहा था, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा था? नहीं कर रहा था, ठीक है राजा, क्लियर? ये दो कंडीशंस हैं। अब ध्यान से देखो सब यहाँ पर, ये थ्योरम क्या कहता है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कि आपने मैम आपने बिगनिंग में समझाया कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्कल पे दो टेंजेंट्स बना सकते हो, ये बताया था, ठीक है? आपने बोला था कि आप दो टेंजेंट्स बना सकते हो, ये सिखाया था, ठीक है? पर अब थ्योरम ये कहता है कि जब कभी ऐसा होगा तो ये दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होंगी। अब हमको यही बात को प्रूफ करना है, पेपर में इसका प्रूफ आएगा, आपको पेपर में इसका प्रूफ पूछेगा, कितने मार्क्स में? 3 मार्क्स में, फ्री के मार्क्स हैं, ले लो फ्री के मार्क्स हैं, इनको तो मत छोड़ो यार। 3 नंबर का आता है, या तो वो थ्योरम या ये थ्योरम, एक तो आएगा, ठीक है? अच्छा, अब क्या करना है? प्रूफ करना है कि पी क्यू पी आर के इक्वल है, ये बात तो बात प्रूफ करनी है हमको, प्रूफ करना है कि पी क्यू इक्वल है किसके? पी आर के, ये प्रूफ करना है, राइट? अच्छा, अब मुझे प्रूफ पर आते हैं। इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, बेसिक कॉन्ग्रुएंसी लगाओ इन दो ट्राइंगल्स में, इन दो ट्राइंगल्स के ऊपर कॉन्ग्रुएंसी लगाओ, ठीक है? कॉन्ग्रुएंसी लगाओ और मुझे बताओ कि क्या बनता है तुम्हारा प्रूफ। कॉन्ग्रुएंसी लगाओ, यस इट्स वेरी इजी प्रूफ, हु सेड दैट? प्रूफ बहुत सिंपल है, कॉन्ग्रुएंसी लगाओ और मुझे बताओ कैसे, यस? तो ओ क्यू पी ट्राइंगल ले लिया मैंने एंड ओ आर पी ले लिया, तो पहली चीज क्या है, इन दोनों के पास ये ओपी कॉमन है, ओपी इज कॉमन। दूसरी चीज क्या है, दोनों के पास 90 का एंगल है, ठीक है? एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ आर पी, यहाँ पे डाल देते हैं हम ईच 90 डिग्रीज। तीसरी चीज क्या है कि इनके पास रेडियस इनके इक्वल है, करेक्ट? दिस इज रेडियस, तो ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ आर, रेडियस है, तो ट्राइंगल हो गए मेरे कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ओ क्यू पी कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल ओ आर पी से। बाई विच रूल, एक 90 का एंगल है, एक हाइपोटन्यूस है, एक साइड है, बाई आर एच एस, सो वी कैन से कि जो यहाँ पर पी क्यू और पी आर हैं, दे विल बी इक्वल बाय सी पी सी टी, करेक्ट? Corresponding paths of congruent triangles. अगर triangles congruent होते हैं तो उनके corresponding paths हमेशा equal होते हैं. Yes? Can we use SSS? How will you use SSS? Tell me. How will you use SSS? बताइए कैसे? उसके लिए आप कहोगे तीसरी साइड PQ और PR ले लेते हैं. वही तो प्रूफ करना है. तो आप ले कैसे सकते हो? वही तो आपको प्रूफ करना है शिजा. यस नीति, सॉरी, देखो मैं कईयों के कमेंट्स मिस हो जाते हैं. डोंट थिंक कि यार मैम मेरा कमेंट नहीं पढ़ रही है, बहुत सारे कमेंट्स पढ़ने, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो, ठीक है? नहीं अविशा, नहीं, पूरा नहीं दिखाना. वेरी सून गर्ल्स पावर. रिशिता यू वॉन्ट, नो नॉट एस एस एस, दैट वी ओनली, हाँ ऑब्वियसली वी हैव टू प्रूव इट कि वो पी क्यू इक्वल है पी आर के. क्लियर? यस शिजा, क्लियर, क्लियर ऑल ऑफ यू. नीति विश्मी, एंथे रिजल्ट, ऑल द वेरी बेस्ट यार, जिनके भी एंथे के रिजल्ट आने वाले हैं. रिशिता यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग? बच्चा मैंने सिर्फ इसके ऊपर कॉन्ग्रुएंसी लगाई है, दैट यू हैव बीन लर्निंग सिंस ग्रेड 7 आई गेस, है ना? कॉन्ग्रुएंसी लगाया बस. एस 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 मीन साइड साइड साइड, पर यहाँ तीनों साइड्स हैं ही नहीं. चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं. सी पी एंड सी क्यू आर टेंजेंट्स. ये सी पी और ये सी क्यू क्या है यहाँ पे? टेंजेंट्स हैं विथ सेंटर ओ. ए बी इज अनदर टेंजेंट, ए बी इज अनदर टेंजेंट, ये भी एक टेंजेंट है, ओके. अब CP is 11 सेंटीमीटर, ये पूरी CP की लेंथ दे दी है, वो कह रहे हैं दिस इज 11 सेंटीमीटर. दिमाग आप लगाओगे अब. BR is 4, ये जो BR है ना, इतना लेंथ, दिस मच लेंथ, दिस इज 4 सेंटीमीटर. क्या निकालना है? लेंथ ऑफ BC, ये लेंथ मांग रहा है आपसे. सोचो सोचो मैम, डू दे आस्क फॉर द स्टेटमेंट्स एज इन?
अच्छा, जैसे बोले स्टेट बीपीटी, हाँ ऐसा पता है कुछ साल पहले, आई थिंक 2-3 ईयर्स बैक ऐसे क्वेश्चंस होते थे. ये लोग क्या करते थे, कहते थे स्टेट बीपीटी एंड प्रूव इट. तो जो स्टेट करने वाला पार्ट था दैट वाज फॉर 1 मार्क एंड प्रूविंग इज फॉर 3 मार्क. पर इसमें स्टेट करने को बोल नहीं सकता, स्टेट द थ्योरम वेयर टू, मतलब क्या लिखेगा वो, इसमें नहीं बनता. बीपीटी वाले में बन सकता है, स्टेट कन्वर्स ऑफ बीपीटी वहाँ हो सकता है, इसमें नहीं बन सकता. बट इफ यू आस्क कि मैम क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हाँ पूछ लेते हैं. सी आपको कि एनसीईआरटी जो है ना, मैं कहूँगी आपको इन एंड आउट पता हो कि उसके लेवल को अप करें तो भी आपको आता हो, इधर उधर से कुछ ही पूछें आपको आता हो. यस टीम 7 का आप मुझे फिर इग्नोर कर रहे हो, वाई नीति ऑल द वेरी बेस्ट. यस लाइक इन फंडामेंटल फर्स्ट चैप्टर नहीं, पर आपको एमसीक्यू में हो सकता है. फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे कुछ ना कुछ घुमा देंगे, कर सकते हैं हरकत, लाइटली मत लो, कर सकते हैं. अच्छा तुम लोग सब बता रहे हो कि बाबा 7 आ रहा है, ऐसे आ रहा है. अब एक बात सोच के देखो, एक बात सोच के देखो, ये 4 है, आपने बोला ये टेंजेंट है, ये 4 है, तो एक्सटर्नल पॉइंट ये है, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो आपका क्यू बी भी तो 4 होगा. मेक सेंस? अगर बी एक्सटर्नल पॉइंट का काम कर रहा है, वेरी गुड आयुष्मान, यस, तो ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ठीक है 4 है, ये 4 है, और ये सी एक्सटर्नल पॉइंट है, सी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये वाली टेंजेंट और जो ये वाली पूरी टेंजेंट है ये भी तो बराबर होगी. ये पूरी टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी, 11 सेंटीमीटर, तो पूरी 11 है ना मैम, और ये 4 है, तो रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग बच गया 7 सेंटीमीटर. यू ऑल वर्क करेक्ट, बिल्कुल. अब इसे लिखना कैसे है, सिंस लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी पहले, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, आपकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है. दिस इंप्लाइज कि आपका जो पी सी है वो क्यू सी के इक्वल होगा, राइट. सी पी और सी क्यू बराबर होंगे फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सी, ये मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है सी, तो दोनों की लेंथ कितनी होगी, दैट वुड बी 11 सेंटीमीटर. सिमिलरली जो बी आर है वो बी क्यू के बराबर होगा, दैट्स करेक्ट. एमसीक्यू में नहीं करना, बाकी सब में करना है, एमसीक्यू में नहीं. यस क्यूट नेम्स, क्लियर. तो मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूंगी, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बी के लिए क्या मेंशन करेंगे, बी आर किसके इक्वल होगा, बी क्यू के, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बी, ये कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 4 सेंटीमीटर. तो मुझे निकालनी है बी सी, सो बी सी यहाँ से क्या आ जाएगी, 11 माइनस में 4, दैट मीन्स 7 सेंटीमीटर, एंड वी हैव द आंसर. वी विल गन, वी विल डू दैट, क्लियर एवरीवन. मैम आई हैव लॉट ऑफ डाउट्स इन वॉल्यूम पार्ट ऑफ सर्फेस एरियाज, लास्ट ईयर लेक्चर यू डिड वन एग्जाम्पलर, सो द वॉल्यूम पार्ट इज वेरी अनक्लियर लेक्चर मैम. यस यस क्लियर एवरी वन. यस शिजा वी विल डू दैट, आएगा भी. क्लियर ऑल ऑफ यू, क्यूट नेम्स क्लियर है. नेक्स्ट सेशन इज ऑन संडेज, संडे को 4 PM. दिव्यांशु समझ आ गया लेंथ ऑफ टेंजेंट का टॉपिक, क्यूट नेम्स क्लियर है. मैम 4 कैसे होगा, क्योंकि आपके पास ये पूरा का पूरा 11 है, दिस होल इज 11, राइट. उसमें से इतना पार्ट 4 है, तो वॉट इज द रिमेनिंग पार्ट, दैट इज 7. 4 कैसे होगा इल्मा, बिकॉज दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट, ये पूरा, उसने आपसे बोला बी आर 4 है, दिस इज 4, इफ दिस इज 4 ये भी तो 4 होगा. लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट का काम कर रहा है, आपने यहाँ से दो टेंजेंट्स बनाई हैं. क्लियर? यस याशु, टाइम भाग रहा है, आई नो टाइम भाग रहा है, आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, एक बार दोबारा भी देखोगे क्लास के बाद आराम से, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन पढ़ो, इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स, ये टेंजेंट दिए हुए हैं, ए पी बी दे दिया 50, राइट द मेजर ऑफ एंगल ओ ए बी, आपको बोल रहा है ओ ए बी का मेजर बताओ कितना आएगा, ओ ए बी का मेजर बताओ. अच्छा ओ ए बी का मेजर, एक बात बताओ, ये टेंजेंट्स हैं एक्सटर्नल टेंजेंट, तो पी और पी बी तो इक्वल होगी, होगी या नहीं, पी ए पी बी इक्वल होंगे, होंगे या नहीं पहले बताओ. सिंस लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, फिर से थ्योरम लगाएंगे, सिंस लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, इक्वल होते हैं तो मैं कह सकती हूँ पी ए पी बी इक्वल होंगे, करेक्ट होगा. दिस इम्प्लाइज ये पी और पी बी तो बराबर हो गए. अच्छा ये एंगल 50 है और ये एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल हैं,
तो आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से ये वाले दोनों एंगल एक्स एक्स होने चाहिए, होने चाहिए या नहीं? वेरी गुड, यस अरमान, वेरी नाइस अजय, विशाल, गर्ल पावर, वेरी गुड, यस रीना. तो मैं ये कह सकती हूँ इन ट्राइंगल ए पी बी के अंदर आई कैन से बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 50 डिग्रीज प्लस एक्स, पहले मुझे वो लगाना पड़ेगा कि एंगल्स की साइड्स इक्वल है. इन ट्राइंगल ए पी बी आई कैन से दैट एंगल पी ए, एंगल पी ए, सॉरी एंगल पी ए बी किसके इक्वल होगा, एंगल पी बी ए के इक्वल टू एक्स ले लिया मैंने. एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, दे विल बी इक्वल, करेक्ट. अब हम लगा सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये कह सकते हैं कि 50 डिग्रीज प्लस एक्स दैट वुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज. तो यहाँ से 2x कितना आ जाएगा, 130 डिग्रीज, x का वैल्यू आ जाएगा 65 डिग्रीज. बट क्वेश्चन डजंट एंड हियर, क्वेश्चन क्या चाहता है, आपको ये पता है कि ये वाला पूरा एंगल 90 होगा. क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, इनके बीच में एंगल 90 बनेगा. 90 में से ये x निकाल दोगे, x का मतलब ये निकाल दोगे 65, तो यू विल गेट द रिमेनिंग एंगल, मतलब कि 25 डिग्रीज, राइट. सो अब हम यहाँ क्या कह सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, करेक्ट. तो मैं यहाँ पे क्या कह सकती हूँ, दिस इम्प्लाइज कि जो ये ओ ए है वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, ए पी पे, राइट. तो आपका एंगल ओ ए बी कितना आ जाएगा, ओ ए बी बन जाएगा 90 माइनस में 65, दैट मीन्स 25 डिग्रीज. क्लियर एवरी वन? यस अलका, क्लियर. यस हाई रीना, इल्मानास, इजी पीजी, दैट वॉज सिंपल, राइट. MCQs में नहीं करने आविशा, MCQs में नहीं करने, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द पार्ट, वहां पर पूरा पूरा करना है. मैम फर्स्ट वन टू आंसर, बट मैम डू नॉट रिएक्ट, मैम इज इग्नोरिंग मी कम्प्लीटली. है टीम सेवन गाय, नहीं नहीं, मैंने कहा ना सित सारे कॉमेंट्स होते हैं, मुश्किल होता है यार पढ़ना एट टाइम्स, और एट टाइम्स व्हेन आई एम राइटिंग ना, मतलब आई एम नॉट लुकिंग एट द चैट. हाँ, नाइन्थ क्लास बच्चा, यस अर्श मैम इज टेकिंग दैट, आपकी क्लासेस हो रही हैं जैसे रेगुलर बेसिस पे जैसे होती हैं. ओके सत्यजीत, तो यू विल हैव टू वॉच द सेशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, आपने मिस किया दैट मीन्स. ठीक है, चलिए, क्लियर एवरी वन, क्लियर एवरी वन, फैमिली रेसिपीज क्लियर है, लेट ज्वाइन किया है तो फिर प्रॉब्लम आएगी. मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू लाइक द सेशन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल. मैं अगर दोबारा क्विकली समराइज कर देती हूँ, थोड़ा सा पार्ट रह गया. लेंथ ऑफ टेंजेंट्स वाली थ्योरम जो हमने पढ़ी, वो कहती है एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे उनकी लेंथ बराबर होगी. तो मैंने कहा ये ट्राइंगल बन रहा है, ये दोनों लेंथ बराबर है, ये 50 है, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे ही होंगे, क्योंकि आपने कहा साइड्स बराबर हैं तो एंगल बराबर. तो यहाँ से आप एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से एक्स निकाल लोगे. जब एक्स निकाल लोगे तो आपको पता है ये वाला एंगल 90 है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट 90 होते हैं. तो बचाव पार्ट आपके पास आ गया. ठीक है, चलिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तुम्हारी, गर्ल पावर. यस, तो मैं जब क्वेश्चंस लेकर आऊँगी आई इनकॉर्पोरेट ये वाला भी. ठीक है, कॉमेंट में डाल दिया करो यार, अगर तुम्हें कोई होता ना कि ऐसे क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट कर दो क्लास के बाद, कॉमेंट में डाल दो. सो वी चेक इट, तो हम कर देंगे बाद में ऐड. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. मार्क द करेक्ट ऑप्शन, assertion रीजनिंग है. इफ लेंथ ऑफ tangent फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द अदर tangent फ्रॉम द सेम पॉइंट इज also 8 सेंटीमीटर. पहले सिर्फ assertion बताओ, क्या ये बात सही है या गलत, क्या ये बात सही है या गलत, सिर्फ assertion बताओ पहले, तो सिर्फ assertion बताओ, इज इट राइट और रॉन्ग? यस, इसके बाद दो क्वेश्चन और हैं, देन इट्स ओवर, दो क्वेश्चन और हैं. ऑल हैप्पी बर्थडे वैष्णवी, यू आर ऑल आर सेइंग कि बात सही है कि अगर आपने एक एक्सटर्नल पॉइंट से, अगर आपने लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, आप एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, लेट्स सपोज दिस इज ए, दिस इज पी, और उसका लेंथ आप 8 सेंटीमीटर कह रहे हो, और आपने इसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक और टेंजेंट बनाई है, तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम मैम ये भी 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो ये वाली बात सही है, दिस इज राइट. रीजन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, यही थ्योरम है, ये बात भी सही है, और पहले वाली बात को हमने इसी से ही प्रूव किया है. मैंने ये बात कैसे समझाई तुम्हें, ये वाली थ्योरम का यूज करके. तो दोनों बातें सही हैं एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो इसका मतलब आई कैन से ऑप्शन ए, बोथ असर्शन रीजन ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए
ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल मैंने आपको दे दिया, इसका सेंटर ओ है. द लेंथ ऑफ टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है मेरे पास, ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है मेरे पास, मेरे पास ये एक्सटर्नल पॉइंट है और मैंने यहाँ से एक टैंजेंट बनाई है इस पर, ठीक है. लेट्स सपोज दिस इज एम, लेट्स सपोज दिस इज एम, ठीक है जी. अभी हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द टैंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओ ए. तो पहले ओ ए को ज्वाइन कर लो, इसको ही मैंने ज्वाइन कर दिया. जो टैंजेंट की लेंथ है, मतलब जो ए एम है, वो ओ ए से ग्रेटर होगी, ये बात तो गलत है. यस यस, लाइक देर इज नो नीड ऑफ द लेक्चर एंड वाई शुड बी लाइक शिजा. बड़ा ही कंफ्यूजिंग था जो भी कॉमेंट था. बताओ फटाफट से, बताओ फटाफट से, क्विकली. नहीं हो सकती ना ये बात, कैसे हो सकती है यार, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमको पता है, ये कैसे ग्रेटर हो सकता है. अच्छा तो ये वाली बात तो गलत है, ये तो नहीं हो सकता. इक्वल टू ए, ये कैसे हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटन्यूज़ के इक्वल कर रहे हो. ऑलवेज लेस देन ए, बिल्कुल होगा. क्यों? क्योंकि वो हाइपोटन्यूज है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये नीचे वाला बेस, तो ये तो ओए से छोटा, ओए हाइपोटन्यूज है, मुझे इतना पता है, ओए हाइपोटन्यूज है तो डेफिनेटली हमेशा लेसर होगा, कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, ये तो बेकार की बात है. तो आइडियली सब चाहते हैं कि ऑप्शन सी विच इज राइट. हाय रवनीत, कृष्णा, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, मेक श्योर यू सब्सक्राइब. हाय लली, क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन. अच्छा शिजा, यस नाउ आई गॉट इट, एक्चुअली बैक ऑफ द माइंड मेरा वही चल रहा था. यस हाय राशि, थैंक यू क्यूट नेम्स, आई होप दिस इज क्लियर, क्लियर ऑल ऑफ यू, क्लियर, करेक्ट. हमको इतना पता है यार इल्मा, हमको इतना पता है कि ओए तो हाइपोटन्यूज ही है, ओए तो हाइपोटन्यूज ही है, कुछ नहीं कह सकते ओए के लिए, फिगर बना लिया, लेबल कर दिया, ओए तो हाइपोटन्यूज ही रहेगी ना. पहले इतनी सी बात सोचो, व्हाट हैपेंड नितिका, इल्मा नाज, यस ओए तो हाइपोटन्यूज ही रहेगी ना, कुछ और तो नहीं बन सकती, ये बात समझ आती है. और हाइपोटन्यूज से तो ये सारे ही छोटे हैं, तो पहला पार्ट तो गलत है कि ऑलवेज ग्रेटर देन ओए, ये ए एम ग्रेटर हो जाएगी, सवाल ही पैदा नहीं होता. इक्वल टू ओए, सवाल ही पैदा नहीं होता. ऑलवेज लेस देन ओए, हाँ ये बात हमेशा होगी मैम, क्योंकि ओए हाइपोटन्यूज है, ठीक है. ओल्ड स्टूडेंट, यस मुझे ध्यान है, ओल्ड स्टूडेंट, क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन, चलो बहुत बढ़िया. हाय सृष्टि, चलिए लेट्स मूव अहेड नाउ. लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मैम, स्टार्टिंग से मतलब चैप्टर 5 से न्यूली स्टार्ट करूँ तो. सुप्रिया, इससे पहले कोई क्वेश्चन पूछा था क्या तुमने, स्टार्टिंग से मतलब क्या? चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है. अ क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी, आपकी एनसीईआरटी का है, एबीसीडी क्वाड्रिलैटरल है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल. इसके अंदर क्या है, एक सर्कल सर्कमस्क्राइब हो रहा है, तुम्हें दिख रहा है ना, अगर ये टच कर रहा है तो समझ जाना कि टैंजेंट, टैंजेंट है, ये टैंजेंट है, टच कर रही है. तो या तो वो वाली थ्योरम या ये वाली थ्योरम, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी. और ये भी बता दूं 99% जब ये साइड साइड की बात कर रहा है, कोई एंगल नहीं गिवन ना, तो मतलब आपकी सेकंड वाली थ्योरम लगेगी, लेंथ ऑफ टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. बिल्कुल आयुष्मान, जब किसी एंगल की बात नहीं हो रही तो मतलब सेकंड वाली थ्योरम, 99% वही लगता है, ठीक है. सो हम सबसे पहले कहेंगे, सिंस ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी भी है, लेंथ ऑफ टैंजेंट्स drawn from an external point, drawn from an external point are equal. ठीक है, tangents की length क्या होगी, equal होगी. तो मैं एक एक करके सारे points उठाऊंगी, एक एक करके सारे points. Hi Ayush, thank you Rashi, एक एक करके सारे points. हाँ tangent drawn, बिल्कुल गणेश, बस भाई NCERT का यार, एक point external point ये है, एक external point ये है, एक external point ये है, एक ही है, बस ये चार ही point है, तो चार इक्वेशंस बनेंगी अपने पास. कैसे, जब मैं ए एक्सटर्नल पॉइंट मानूंगी तो ए एस इक्वल होगा ए पी के, करेक्ट. तो मैं कहूंगी दिस इम्प्लाइज कि ए एस, अब मैं तुम्हें यहाँ पर एक चलाकी वाली चीज़ बताऊँ, यहाँ पे लिख देना फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, चलाकी वाली चीज़ सुनो, बच्चों से गलती हो जाती है इसलिए बता रही हूँ, दिस आई एम टेलिंग यू फ्रॉम एक्सपीरियंस, बिकॉज मैंने देखा है बच्चे गलती करते हैं और फिर वो बोलते हैं कि यार मेरा आंसर क्यों नहीं बन रहा, मैं भी तो वही कर रहा हूँ जो मैम कर रही थी. आई विल टेल यू रितिका, अब सुनो, अब सुनो, टुवर्ड्स दी एंड आंसर कर दूंगी, अब सुनो ध्यान से. यहाँ पर क्या है, ए एस इक्वल टू ए पी. अगली बार तुम कहोगे कि मैम बी को ले लो, बी पी इक्वल टू बी क्यू, ठीक है. तुम कहोगे लिख लो यहाँ पे फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बी, सेकेंड इक्वेशन बना देंगे.
अब पता है कई बच्चे क्या कर देंगे, बड़े मजे मजे में लिख देंगे यहाँ पर बीपी इक्वल टू बीक्यू। इससे तुम आंसर नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं बना पाएंगे, कोई बता सकता है? क्या गलत लिख दिया मैंने ऐसा यहाँ पर? गलत नहीं है बट ऐसे लिखना मत, गलत नहीं है बट ऐसे लिखना मत, क्यों बताओ? यस वी डोंट वॉन्ट यू टू गो, नॉट द लास्ट क्वेश्चन। तो हम सारी रात पढ़ते रहते हैं, है ना, सारी रात पढ़ते रहते हैं हम। इतना मैथ्स कौन करता है यार, इतना मैथ्स तो मैं भी अपने टाइम पे नहीं करती थी। बताओ जल्दी से। वेरी गुड एवी, वाइल एडिंग मैम वी विल नॉट गेट द आंसर। फेस्टिवल सेलिब्रेशन अगर न्यू हो तो मैम कैसे पहचानेंगी? हाँ वेरी गुड आयुष्मान, वी विल नॉट बी एबल टू ऐड, बाद में ऐड करना पड़ेगा। बिल्कुल नितिका, तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार एडिंग में। तो जो पी पी वाले हैं सेम साइड पे रखना। यार हमारे पास कितने स्मार्ट बच्चे हैं यार, है ना। तो ये क्या बन गया मेरे पास, तो ये मेरे पास बन गया यहाँ पर बी पी और ये मेरे पास आ गया बी क्यू। तो हम ये ध्यान रखेंगे ऑब्वियसली। अगला पॉइंट आता है सी, तो सी आर और सी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, पेपर में ऐसे ऐसे मत कर देना, है ना, मार्क्स भी ऐसे ऐसे करके मैम काटते जाएंगे, सो डोंट डू दैट। पूरा पूरा लिखना है, ठीक है। ये थर्ड बनेगा, सी क्यू और सी आर है, तो सी क्यू को यहाँ पर, सी आर को यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। हाय कृष्णा, ऑल द न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑल द न्यू स्टूडेंट्स मेक श्योर यू सब्सक्राइब। हाउ कैन वी एड इट जस्ट लाइक दैट? करेक्ट करेक्ट, इसलिए दैट्स वाई वी हैव टू स्विच इट, राइट। ओके, अब नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल पॉइंट, ये डी एस और डी आर है, राइट। हाँ डी एस और डी आर है, यहाँ पर आ जाएगा डी आर, ये बन जाएगा आपका डी एस, और बस एक्सटर्नल पॉइंट हो गया डी। अब हमें करनी है एडिंग, हाँ अब हमें करनी है एडिंग, बस फटाफट से। मैं सारे चैप्टर्स बहुत क्विकली कोशिश कर रही हूँ कि आपके प्रीबोर्ड से पहले ख़त्म हो, एंड वी स्टार्ट विद द रिविजन, ठीक है। इसलिए मैंने आपको क्लियरली जो मेरा प्लान है वो बता दिया, थैंक यू आयुष। स्कूल में सर अगर क्यूट नेम्स तुम्हारे सर ये सेशन देख रहे होंगे तो, और तुम्हारी चैट भी देख रहे होंगे तो, अच्छा तुम क्यूट नेम्स डाला हुआ है उनको पता भी नहीं चलेगा, स्मार्ट बच्चे हो यार तुम लोग। एडिंग 1 2 3 4, एडिंग 1 2 3 एंड 4, इन सबको ऐड कर दो, क्या बनेगा? जब मैं ए एस को ऐड करूंगी तो डेफिनेटली मैं डी एस के साथ ऐड करूंगी, करेक्ट राइट। ए एस के साथ मैं डी एस को ऐड करूंगी, ए एस के साथ डी एस को, मतलब पूरा ए डी मिल जाएगा मैम, पूरा ए डी मिल जाएगा, ठीक है। जब मैं बी क्यू के साथ सी क्यू को ऐड करूंगी तो पूरा बी सी मिल जाएगा, ये आ गया बी सी। जब मैं सी आर डी आर को ऐड करूंगी तो सी डी मिल जाएगा, जब मैं ए पी बी पी को ऐड करूंगी तो ए बी मिल जाएगा। आई थिंक वी गॉट द आंसर, यस, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, थैंक यू क्यूट नेम्स। मेक अ वीडियो ऑन 9 सर्कल थ्योरम्स, रेखा प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, बिकॉज दैट वॉज एक्चुअली गुड थिंग, बिकॉज बहुतों के लिए यूजफुल होगा। मुझे क्लास के बाद कॉमेंट में डाल देना, यू नो दैट आई ऑलवेज चेक दी कॉमेंट्स, तो एटलीस्ट मुझे याद रहेगा। थैंक यू क्यूट नेम्स। हाउ टू फाइंड रेडियस, अच्छा ऐसे क्वेश्चन के अंदर ना, यस हु आई मेड अ नोट, वेरी स्पेशल पर्सन क्लो, 20th July, इट्स मी। कब कंप्लीट होगा? पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया यार, सर्कल्स इतना सा ही था, बस क्वेश्चंस लगा लगा के प्रैक्टिस करो। तो मैं बता देती हूँ, आई रिमेंबर दैट इंसिडेंट, यस रिभा। अब मैं एक और बता देती हूँ, थैंक यू शिजा, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, मेरी बात ध्यान से सुनना। अंशिका ओके, ठीक है, पूरी रात पढ़ेंगे। अभी जो सेशंस आएंगे, वंस वी कंप्लीट द सिलेबस देन वी विल डू द सेशंस, हम प्रैक्टिस बहुत करने वाले हैं, हम प्रॉपर एग्जाम्पलर करेंगे, वी विल डू द लॉट ऑफ पी वाई क्यूज, वी विल प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स, सो फुल फ्लेजेडली बोर्ड के लिए रेडी हो जाओगे। सो राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर द सिलेबस फर्स्ट, कि प्री बोर्ड से पहले आपका सिलेबस सारा कवर हो जाए। मैम कहाँ था ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ क्वेश्चंस? ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ ताने, ऑलरेडी वी हैव डन दैट इन द सेशंस। अगर अलग से और प्रैक्टिस चाहिए तो वंस वी आर डन विद द सिलेबस, आई विल कम अप विद प्रैक्टिस सेशंस, विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस सेशंस। मैम इस संडे को कौन सा चैप्टर करा रहे हो? ओके, इस संडे को हम क्या कर रहे हैं भाई? ओके फर्स्ट लेट्स क्विकली समराइज दिस। तो दो ही थ्योरम्स थी आपके सिलेबस में, दो ही थ्योरम्स थी। वन वॉज कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, ठीक है। दूसरा कि एक्सटर्नल टेंजेंट, एक्सटर्नल पॉइंट से आप जो दो टेंजेंट्स बना सकते हो, बस दो ही बना सकते हो, दे विल बी इक्वल, बस यही पढ़ा। और 9th के थ्योरम्स आपके लिए यूजफुल होंगे, एक बात ध्यान रखना। दिस संडे वी आर मीटिंग अगेन, वी आर मीटिंग अगेन एट 4 PM एंड वी विल बी डूइंग एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और जब रिविजन का टाइम आएगा ना, वी विल बी प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, मींस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। तो एकदम तुम्हारा जितना है ना, डोंट लीव योर बैकलॉग्स। अच्छा अगर किसी के बैकलॉग हैं, पिछला कुछ नहीं देखा, ऐसा कुछ भी, थैंक यू सौम्या,
यस, थैंक यू सो मच रिभा. तो प्लीज़ मैं ये नहीं कहूँगी आप बैकलॉग कवर मत करो, वेट कर लो मैराथन सेशंस का. नहीं, आप चैप्टर्स के वन शॉट जो भी पुराने करें वो देख लो, एटलीस्ट यू नो दी कॉन्सेप्ट्स. क्योंकि जब आगे के सेशंस आएंगे, रिविजन सेशंस, दैट वुड बी बेसिकली प्रैक्टिस सेशंस. ये ना हो कि कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो कॉन्सेप्ट तो कर लो यार, मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तब बहुत. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है अतिशय मैम, रेडियस वाला, हाँ ऐसा क्वेश्चन है, रेडियस वाला होता है, बट उसके अंदर ना आपको एक एक साइड की लेंथ जरूर देगा, एक साइड वाली बाहर वाली लेंथ देगा, उससे घुमा के हम स्क्वायर बना लेंगे, फिर रेडियस निकल जाएगा. समझ आया अतिशय? आई गॉट इट विच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू आर आस्किंग. बट एक बाहर की लेंथ उसको देनी पड़ेगी, लिंकिंग देनी पड़ेगी. एंड ऐसे वाले बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, आई विल इनकॉर्पोरेट. मैम एडिशनल प्रैक्टिस पेपर डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था. एडिशनल प्रैक्टिस पेपर को देख के मत डरो यार, बट बिल्कुल चिलो के मत बैठो. ठीक है, खुद को प्रिपेयर करो इस चीज़ के लिए कि वॉट इफ CBSE हार्ड पेपर बना दे. सबसे पहले तुम्हें तुम्हारा एम पता होना चाहिए यार, तुम्हारा गोल क्या है. तुम्हें 95% लाने हैं, तुम्हें 99% लाने हैं, तुम्हें 100% लाने हैं, या तुम खुश हो यार 70-80% ला के. इट डिपेंड्स ऑन यू कम्प्लीटली. तो जो तुम्हारा गोल है अकॉर्डिंगली तुम्हें उसके जाना पड़ेगा, राइट? है कि नहीं? तुम्हारे गोल के हिसाब से जाओगे तुम कि यार मुझे लाना कितना है, और हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करोगे. एडिशनल पेपर डिफिकल्ट है, बट मैं तुम्हें कराऊंगी, करवाएंगे, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे. मैम लाइक टाइम क्वेश्चंस इन लीनियर इक्वेशंस में कौन से टाइम क्वेश्चन की बात कर रहे हो यार? कौन से टाइम क्वेश्चन की बात कर रहे हो लीनियर इक्वेशंस में? लीनियर इक्वेशन के टाइम क्वेश्चन, स्पीड डिस्टेंस टाइम की बात कर रहे हो क्या? यस आई हैव कवर्ड, बट कुछ और भी कवर करेंगे. ठीक है अतिशय, कॉन्सेप्ट वाइज, कॉन्सेप्ट अगर उतने ही आपकी बुक में तो यस, बट प्रैक्टिस के लिए यू जितनी कम करो यार, प्रैक्टिस तो जितने क्वेश्चन कर लो कम पड़ते हैं, जितना ज़्यादा कर सकते हो करियो. ठीक है जी, ऑल राइट, थैंक यू सो मच AV. ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पेपर में पूछेगा नहीं, बट मैंने आपको बता दिया गाना कैसे अप्लाई कैसे करना है. ऑल राइट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ क्लास के बाद कमेंट करके बताया करो यार सेशन कैसा लगा. एटलीस्ट हमारे लिए भी, दो वी हैव बीन टीचिंग फॉर सो मेनी ईयर्स, बट एटलीस्ट ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि, और ऑलवेज देयर विल बी अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, राइट? तो पता लगता है कि यार और आपके लिए और कैसे बेटर कर सकते हैं इन सेशंस को, और क्या इसमें एडिशंस कर सकते हैं आपके लिए जो इस साल के नए बच्चे, और उन्हें और क्या चाहिए. सो प्लीज़ ऑलवेज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्लास के बाद. डू शेयर द वीडियो लिंक्स एज मच एज यू कैन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. ठीक है, संडे वी आर मीटिंग अगेन, सी यू सून, थैंक यू सो मच, बाय बाय.